नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के रियल न्यूज एंड एनालिसिस तारीख 18 जून सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण आइए साथियों स्वागत करता हूं अपने सभी साथियों का आज के इस खास सेशन में जो कि विशेष रूप से आपके लिए लाया गया है देश और दुनिया की उन तमाम खबरों से जो आपको बनाती है दिन भर के लिए बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल और साथ में नॉलेजफुल साथियों अपने साथ में इंडिया और वर्ल्ड का मैप साथ रख लीजिए पेन पेपर हाथ ले लीजिए और पढ़ना शुरू करिए क्या कुछ खास है आज के इस सेशन में सबसे महत्वपूर्ण खबरों के सिलसिले में सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने पहली ही स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है उसमें हाल ही के अंदर मैक्सिको बॉर्डर पर दवार बनाने की परियोजना पर जो बाइडेन प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई थी उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप चुनावों में हारने के बाद पहली बार पब्लिक अपियरेंस लेकर के टेक्सास आ रहे हैं यानी कि सरल रूप में कहूं तो डोनाल्ड ट्रंप फिर से आ रहे हैं अभी जनता के सामने और फिर बाद में देखा जाएगा देश के सामने तो चलिए साथियों इसी के साथ पहली खबर बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके लिए बनी है इसे समझ लीजिएगा दूसरी तरफ जो खबर बनी है वो है साथियों हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के अंदर भयंकर बाढ़ आने के बाद में एक गजब नज़ारा देखने को मिला है और गजब नजारा यह है कि यहां पर मकड़ियों ने एक ऐसा जाला बुन लिया है जो कि दुनिया को बहुत ज्यादा हैरान कर रहा है मकड़ियों का जाला दुनिया की हैरानी की बात ऐसे है जैसे पानी भरा हो बिल्कुल वैसा ही यहां पर जाला बना हुआ है आपको आज के सेशन में बताएंगे क्या है पूरी कहानी हाल ही में भारत सरकार ने ट्विटर पर से कानूनी संरक्षण हटा लिया है यानी कि ट्विटर अब सरकार की मेहरबानियों पर नहीं चलेगा अब सीधा उसे केस के लिए दायर किया जा सकेगा क्या है पूरा इंसिडेंट पूरी बातें आज, आज आपको सेशन में बताई जाएंगी साथ में साथियों हाल ही के अंदर सरकार के कैबिनेट के द्वारा किए गए फैसलों में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को अब कारपोरेट में बदलने का रास्ता साफ हो गया है क्योंकि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है सात कंपनियों में बदल जाएंगी 21 फैक्ट्रियां चर्चा करेंगे इसकी क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है इसी के साथ साथ फिर से एक बार ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि राजस्थान का पक्षी है राज्य पक्षी है यह हाल ही में सुर्खियों में है रीजन है इसके पीछे क्योंकि एक साल में वर्ल्ड मतलब जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने आंकड़े जारी करके बताया कि एक साल में चार से अधिक जानवर जो है वो तार से टकराने से मर गए हैं चर्चा करेंगे कि कौन सी बातें हैं जो खास बनाती हैं इस जानवर को और किस प्रकार से ये खास है आज के सेशन में आपको पता चलेगा हाल ही में साथियों कोरोना के अंदर एक नया वेरियंट जिसे आप डेल्टा प्लस वेरियंट कहते हैं हाल ही में कोरोना के इस वेरियंट को डब्ल्यू ने भी रिकॉग्नाइज किया है और इसकी प्रेजेंस भारत में भी देखा जाना शुरू हो गई है सेशन के दौरान चर्चा की जाएगी कितना महत्वपूर्ण है इसका पाया जाना इसके साथ ही साथियों हाल ही में सतत विकास रिपोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के विशेषज्ञों की जो तब, मतलब रिपोर्ट जारी की गई है उसमें दुनिया के तमाम देशों की रैंकिंग दी गई और फिनलैंड उसमें नंबर वन पर रहा है हालांकि हाल ही में न्यूजीलैंड ने कहा है कि वो लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट दुनिया का पहला लकड़ी से बना हुआ सैटेलाइट लॉन्च करेगा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी दैट इज ईएसए उसकी लॉन्चिंग में मदद करने वाला है भारत और श्रीलंका ने हाल ही में निर्यात जो एक्जिम बैंक है उसके माध्यम से हंड्रेड मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर मतलब अनुमति दी है चर्चा करेंगे बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से भारत द्वारा श्रीलंका को लोन दिया जा रहा है और इससे इसकी कौन सी परेशानियां दूर होंगी और 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस के रूप में मनाया गया इन तमाम खबरों का विस्तार पूर्वक अध्ययन आज के सेशन में करने वाले हैं जल्दी से सेशन को अपने तमाम साथियों के साथ शेयर कर दीजिए और पढ़ना शुरू करिए कि क्या कुछ खास है तो के हमारे इस सेशन में साथियों जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि नया स्टैटिक जीके का फाउंडेशन बैच शुरू होने जा रहा है नेक्स्ट वीक हमारे द्वारा एसएससी कैटेगरी के के अंदर फाउंडेशन बैच सिलसिले में नया बैच आ रहा है जिसमें हम इकोनॉमिक्स बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे यदि आप भी चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना तो एस कैटेगरी में मेरे बैचेस ज्वाइन कर लीजिए इसी के साथ साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा साथियों की आज की स्पेशल क्लास ऑफ रहेगी फ्राइडे के दिन आज हमने स्पेशल क्लास ऑफ रखी है कुछ पारिवारिक कार्यक्रमों की वजह से कल यानी सटरडे को जो अक्सर बंद रही करती है क्लास कल क्लास हो जाएगी यानी आज वाली क्लास मैं कल कर लूंगा इसलिए मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी है, है ना तो मैं आपको बता देता हूं आज की क्लास ऑफ है लेकिन कल वही वाली क्लास जो आज होनी थी वो होगी जिसमें मैं आप लोगों को वर्ल्ड की इंपॉर्टेंट सिटीज पढ़ा रहा था क्लियर केवल सुबह वाली क्लास ऑफ है यही ध्यान रखिएगा बाकी सारी क्लासेस एज इट इज चलती रहेंगी इसके अलावा साथियों आपके लिए यूपीएससी में और एसएससी में दोनों ही जगह मेरे पेड बैचेस चल रहे हैं एसएससी में इकोनॉमिक्स का जीरो से बैच आने वाला है और यूपीएससी के अंदर करंट अफेयर्स का बैच आने वाला है क्योंकि प्रिलिम्स को ध्यान में रखते हुए वापस से करंट अफेयर्स को कंप्लीट करना जरूरी होगा इन तमाम खतरों के खबरों खबरों के बारे में आज हम पढ़ेंगे लेकिन इससे पहले आज का मोटिवेशन क्या है आइए जानते हैं आज का मोटिवेशन है साथियों इट्स गोइंग टू बी हार्ड बट हार्ड डज नॉट मीन इट्स इम्पॉसिबल साथियों हम जब लक्ष्यों का चयन करते हैं तो निश्चित ही वो कठिनाई भरे होंगे और भारत में तो कठिनाइयां इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि चाहे पद बहुत ही छोटा हो पद छोटे से मतलब है पे ग्रेड के हिसाब से काम कोई छोटा नहीं होता पद छोटे होते हैं है ना क्योंकि पद को हरारकी के आधार पर बनाया जाता है पद कोई भी छोटा हो लेकिन भारत में इतने युवा उम्मीदवार होते हैं कि उसके प्रति रेस बहुत बड़ी हो जाती है एक बहुत बड़ी पते की बात बताता हूं उसके बाद से आपके अंदर का जो मोटिवेशन है वो स्वतः ही आने लगेगा पता है आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे काबिल मित्र हैं जो तैयारी तो करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं लेकिन उनके सपने हैं सपने क्या हैं कि मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं अर्थात मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहता हूं लेकिन उन्हें पारिवारिक कारणों से किसी सब एग्जाम को देना पड़ रहा है क्योंकि घर वालों ने कह रखा है कि उन्हें रेलवे या एसएससी या बैंकिंग की जॉब निकाल लेनी चाहिए मेरी क्लास में ऐसे बहुत से विद्यार्थी हैं और ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों से मैं दिन भर मतलब संपर्क में रहता हूं जिनकी सबसे बड़ी दुविधा यही होती है सर हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं लेकिन तैयारी करना तो चाहते हैं यूपीएससी की कर भी रहे हैं लेकिन सर होता यह है कि घर वाले कहते हैं कि पहले जॉब ले लो और जॉब किसकी ले लो रेलवे की ले लो या एसएससी की ले लो इसलिए मैंने रेलवे एसएससी बैंकिंग इनकी तैयारी पहले करना शुरू कर दिया है और फिर मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा पता है आपको क्या होता है साथियों एक बहुत बड़ी बात बताता हूं और आप इसको मानिएगा जरूर और इसको मानने से आपको बहुत बड़ा परिवर्तन अपने आप में नोटिस होगा होता क्या है मान लीजिए आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पता है कि आपके अंदर कैलिबर है टैलेंट है आपका दिमाग बहुत तेज चलता है आपसे कम दिमाग वाले भी यूपीएससी की तैयारी में बहुत अच्छा कर रहे हैं प्रिपरेशन के माध्यम से एग्जाम भी निकाल रहे हैं आपको सारी कैलकुलेशंस हैं लेकिन फिर भी आपको पारिवारिक कारणों से तैयारी करनी पड़ रही है मैं आपको एक छोटा सा कारण देता हूं जिसकी वजह से आप उस तैयारी को जो वर्तमान में कर रहे हैं इसे बड़ी इज्जत से करेंगे होता क्या है कि हम लोग जब तैयारी करते समय किसी और गोल के बारे में विचार कर रहे होते हैं और जिस तैयारी में हम हैं उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो उसके लिए हिंदी में एक बहुत ही जबरदस्त शब्द है और वो है ना घर के ना घाट के अर्थात ना तो आप अपने उस एग्जाम के लायक बचे जिसकी वर्तमान में तैयारी कर रहे हो और ना ही उस एग्जाम के लायक बच पाओगे जिसके लिए आप सपना देख रहे हो क्योंकि आप सफल ही नहीं हो पाएंगे आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हो ये तो सुबह सुबह एकदम शराब जैसी बात हो गई ये बहुत कटु सत्य है यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप अपने आप को ये सोच रहे हैं कि नहीं ये मेरे हिसाब से कम तैयारी है आप उसको उतनी इज्जत ही नहीं दे रहे हैं तो यकीन मानिए ना तो एसएससी निकलेगा ना ही यूपीएससी निकलेगा और ये अभी से लिख करके रख लीजिए इसको कोई नहीं बदल सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं अगर आप में से कोई ये सोचता है कि मैं ग्रुप डी की तैयारी करूंगा मान लीजिए मुझे नौकरी चाहिए ग्रुप डी की करनी है भले ही यह फीलिंग आ रही हो कि यार ये मेरे लायक नौकरी नहीं है लेकिन फिर भी वो एग्जाम तभी निकलेगा जब उस एग्जाम के लिए आवश्यक इज्जत आपके दिमाग में हो इज्जत दिमाग में हो से मतलब है उसके लिए आवश्यक मेहनत करने के लिए पेश परेशान रहते हैं ना कभी स्टेट पीसीएस निकलता ना यूपीएससी निकलता रीजन स्टेट पीसीएस की तैयारी घर वालों के दबाव में कर ली और यूपीएससी आपका सपना है स्टेट पीसीएस की तैयारी कर ली और उस समय पता चल रहा है यार मैं तो यूपीएससी के लिए बना हुआ हूं आप उतनी मेहनत जो स्टेट पीएससी को चाहिए आप दे ही नहीं रहे हैं और आप अपना यूपीएससी का ख्वाब भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं आप लटक गए पेंडुलम हो गए दो नावों पर पांव रख लिए इसलिए जिस भी जगह है उस पर जब तक मतलब पैर मत हटाइए जब तक उसे कंकर ना कर लें। मुश्किल होगा ऐसा करना अपने आप के सपनों के हिसाब से अपने आप को डिमीन करना मुश्किल होगा लेकिन निश्चित ही आप एक दिन सफल होंगे साथियों ऐसे नंबर्स ऑफ एग्जांपल हैं आप यूट्यूब पर सर्च मारिएगा ऐसे नंबर्स ऑफ एग्जांपल हैं जिन्होंने कांस्टेबल के पद से परीक्षा पास करी और वो आज आईपीएस हैं एन नंबर ऑफ एग्जांपल राजस्थान में हमारे ऐसे हैं जो ग्राम सेवक जितने बिल्कुल सहायक कर्मचारी के पद पर एंट्री किए शिक्षक जैसे यानी तृतीय श्रेणी शिक्षक पर उन्होंने पद पर एंट्री करी और वो आज आईएएस ऑफिसर्स हैं रीजन ये नहीं है कि आपके सपने बड़े हैं तो आप अपने आज के काम को छोटा-छोर सोचें साथियों जो काम कर रहे हैं उसे बड़ा समझें

सोनू शीतल रिनेश भावना सनी बबीता नरगिस श्रीनिवास अंकित सपना उर्जिता अमिया तीरथ सिंह शिवम लवकुश ब्रजेशन विशाल ललित नरगिस सभी साथियों को वेरी गुड मॉर्निंग जल्दी से, से सेशन शेयर करिए अपने साथियों के साथ और पढ़ना शुरू करिए कि क्या कुछ खास है आज के सेशन में आपके लिए आइए साथियों चर्चा करते हैं सबसे पहली चर्चा डोनाल्ड ट्रंप फिर से सुर्खियों में है साथियों आज ये सुर्खियों में है कल ये सत्ता में भी हो सकते हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को चाहने वालों की कमी नहीं है कई बार तो ना मुझे भी लगता है कि मैं कहीं डोनाल्ड ट्रंप समर्थक तो नहीं बन गया हूं क्योंकि भाई साहब इनने जिस प्रकार के निर्णय लिए थे उन्हें बाइडेन भी बदल नहीं पाए और बाइडेन बदल नहीं पाए और इवन जब वो बदलने की सोचते हैं तो उन्हें अमेरिका में प्रतिरोध देखना पड़ता है देखिए डोनाल्ड ट्रम्प एकदम ऐसा आदमी जिसे आप और हम पसंद नहीं कर सकते लेकिन अमेरिका वाले जरूर पसंद करते हैं और वो क्यों पसंद करते हैं बहुत से लोग पसंद करते हैं मतलब भाई ने टक्कर बढ़िया वाली दी थी क्योंकि उसकी एक सबसे बड़ी रणनीति थी अमेरिका फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट के लिए जब वो चुनाव में उतरा था तो उसने एक बहुत ही मतलब जिस विस्मयकारी वादा किया था मतलब जिससे लोग एकदम अचंभे में पड़ गए थे और वो ये था कि मैं अमेरिका और मैक्सिको के बीच में दीवार बना दूंगा अब मेक्सिको और अमेरिका के बीच में दीवार बनाना मजाक बात नहीं थी और दीवार बनाने का सपना सोचने वाले पर अमेरिका ने मोहर लगा दी थी अमेरिका की जनता ने ट्रंप को इसलिए वोट दिया था क्योंकि उसने वादा किया था कि वो मैक्सिको से आने वाले लोगों को अमेरिका में घुसने नहीं देगा तो आप सोच के के देखिए कि जिस प्रकार से भारत के अंदर बांग्लादेशी एक समस्या बने हुए हैं ऐसे ही अमेरिका के अंदर मैक्सिको से आए हुए लोग बहुत बड़ी समस्या होते हैं और केवल इस बात पर अमेरिका के कई राज्यों ने ट्रंप को जिता दिया था क्योंकि उसने यह वादा किया था कि वो मैक्सिको से आने वाले लोगों को रोक देगा आप जान के हैरान हो जाएंगे साथियों कि अमेरिका में प्रतिवर्ष मेक्सिको से लगभग साढ़े तीन लाख लोग इल्लीगल रूप से एंट्री करते हैं यानी जिस अमेरिका में जाने के लिए इतने प्रकार के वीजा लगते हैं इतने प्रकार से मतलब प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है वहां पर इलीगल तरीके से साढ़े लाख से अधिक लोग हर साल मेक्सिको बॉर्डर को क्रॉस करके अमेरिका में एंट्री करते हैं फिर आप पूछते हैं कि सर ये तो पता है ना इसका मतलब पहुंचते हैं तो फिर क्या होता होगा पहुंचते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है या उन्हें असाइलम में भेज दिया जाता है शरणार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है लेकिन अमेरिका में शरणार्थियों की, की सुविधाएं इतनी अच्छी है कि सामान्य जीवन मैक्सिको का ज्यादा बुरा है इसके कंपेरिजन में वहां रहने पर जेल का जीवन ज्यादा अच्छा लगेगा ऐसी परिस्थितियां अमेरिका में है और इस परिस्थिति से अमेरिका के चार बड़े राज्य पूरे टाइम प्रभावित रहते हैं जिसमें से एक राज्य का नाम है टेक्सास जो सबसे बड़ा राज्य जो बॉर्डर शेयर करता है मेक्सिको और अमेरिका के बीच में मुसीबत यह थी कि टेक्सास के लोगों ने ट्रंप का समर्थन इसीलिए किया था कि ट्रंप ने वादा किया था 2015 में कि जब वो सत्ता में आएंगे तो आकर के सबसे पहले यहां दीवार बनाएंगे लोगों ने वोट देकर जिता दिया था लेकिन के वादे जो थे वो उन्होंने पूरा करने के लिए भी कसर नहीं छोड़ी जब सत्ता में आए तो उन्होंने क्या क्या कुछ किया वो तो मैं बताऊंगा लेकिन उनके वादों के अकॉर्डिंग दीवार का निर्माण भी शुरू हो गया था वर्तमान में परिस्थितियां यह हुई कि बाइडेन जब प्रशासन में आए तो बाइडेन ने ट्रंप के कहे हुए वादों को तोड़ दिया या के कहे हुए वादों को रोक दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि वो दीवार बनाएंगे और उन वादों को रोकने पर अब बाइडेन का विरोध हो रहा है और विरोध करने के लिए ट्रंप टेक्सास जा रहे हैं ट्रंप इतने दिनों बाद यानी जनवरी के चुनाव हारने के बाद से अब पहली बार पब्लिक बार्लिक में 30 जून को बाहर आएंगे और वो टेक्सास प्रांत में बाइडेन विरोधी रैली में साझा होंगे और वहां पर अपने द्वारा किए गए वादों की फिर से नींव रखेंगे कि मैंने कहा था कि मैं यहां पर आकर के इस दीवार का निर्माण करवाऊंगा तो क्या है ये दीवार की पूरी कहानी आइए आज के सेशन में इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं ये पूरी तरह से महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आप और हम भी प्रभावित होते हैं और आप और हम क्यों प्रभावित होते हैं क्योंकि तो मेक्सिको के पोरस बॉर्डर से एंट्री करने वालों में कहीं ना कहीं इंडियंस पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी होते हैं जो यहां से कबूतर बना के उड़ा दिए जाते हैं तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आज के इस सेशन को कि ये कब करने वाले हैं दौरा डोनाल्ड ट्रंप तो 30 जून को दौरा होने वाला है पहला पब्लिक अपीरियंस होने वाला है किसका डोनाल्ड ट्रंप का कहा होने वाला है तो भाई मेक्सिको के बॉर्डर पर होने वाला है रिटर्निंग टू पब्लिक आई यानी दुनिया की नजरों में फिर से आ रहे हैं ट्रंप विल हेड द यूएस मेक्सिको बॉर्डर डिस्प्यूट रैली आइए साथियों पूरी कहानी को समझने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये कहां पर हो रही है सारी की सारी दिक्कतें आइए साथियों देखते हैं साथियों यहां पर अगर आप देखें तो यह आपको नॉर्थ अमेरिका पीडीएफ नहीं मिला ऐसे कैसे हो सकता है भाई, राज, राज, राजा, राजावत लिख रहे हैं। कल वाली क्लास का पीडीएफ नहीं मिला टेक्निकली ऐसा नहीं होना चाहिए मैं एक बार देख लूंगा हाँ भाई तो यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा यह बना हुआ है मी सी बेटा कल वाली कल सत्रह तारीख की थी ना हाँ बेटा डला हुआ है नौ बज के सत्ताईस मिनट पर ही डाल दिया गया है देख लीजिए एक बार है ना बज के सत्ताइस मिनट पर ही डाल दिया गया था ठीक है ना चलिए आइए साथियों यहां पर हम देखते हैं क्या क्या है, इधर है साथियों है और है तो बॉर्डर में, तो में एक तरफ दिखाई पड़ता है पैसिफिक ओशियन और एक तरफ दिखाई पड़ता है गल्फ ऑफ मैक्सिको पैसिफिक ओशियन से गल्फ ऑफ मैक्सिको को जोड़ने के लिए यहां पर बॉर्डर बना हुआ है इस बॉर्डर की लेंथ है साथियों उन्नीस माइल्स

टेक्सास प्रांत न्यू मैक्सिको एरिजोना और कैलिफोर्निया ये चार बड़े राज्य हैं जो कि बॉर्डर शेयर करते हैं ट्रंप कहां आ रहे हैं टेक्सास में आ रहे हैं क्या चर्चा है तो साथियों चर्चा यह है कि जब ट्रंप यहां पहुंचेंगे तो इस पर, आप इस बॉर्डर बॉर्डर पर को देखिए जरा मैं आपको बहुत अच्छे से जूम करके दिखाता हूं ये इतना अच्छे से बॉर्डर बनाया हुआ है आप देख रहे हैं यहां पर एक कैनाल भी बनी हुई है वॉटर कैनाल जिसके माध्यम से प्रॉपर तरीके से डेविएट किया हुआ इन दोनों को यहां से पूरा की पूरा बॉर्डर बना रखा है और सब तरह की सारी सुविधाएं की हुई है ट्रंप के द्वारा यह वादा किया गया था कि जब वो सत्ता में आएंगे 2015 में इन्होंने वादा किया था कि जब मैं सत्ता में आऊंगा तो आते ही यूएस और मेक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाएंगे यूएस और मेक्सिको के बीच में बनने वाले बॉर्डर की ऐसी आवश्यकता क्यों थी अमेरिका वालों को तो इसके पीछे का सबसे बड़ा पहले कारण बताता हूं फिर ट्रंप ने क्या कुछ किया वो भी बताऊंगा कारण यह है साथियों कि यूएस के अंदर जितना भी इल्लीगल ड्रग्स आता है वो पूरा की पूरा ड्रग्स मेक्सिको के रास्ते से ही होकर के आता है मेक्सिको के रास्ते से होकर के जो ड्रग्स की या फिर इलीगल स्मगलिंग जितने भी प्रकार की होती है चाहे फिर वो वेपन्स की होती हो चाहे फिर वो म, मतलब मानव व्यापार होता हो जिसे मानव तस्करी कहते हैं या फिर बिना परमिशन के लोगों का अमेरिका में घुस चले जाना होता हो वो इसी बॉर्डर के माध्यम से होता है ये अमेरिका के लिए बहुत लंबे समय से एक चुनौती बना हुआ है ट्रंप ने वादा किया कि जब मैं आऊंगा तो यहां पर एक दीवार बनाऊंगा और वो दीवार किसकी बनेगी तो वो दीवार लोहे की बनेगी और लोहे की दीवार उन्नीस माइल्स तक अगर बननी है तो उस पर जबरदस्त खर्चा आने वाला था जबरदस्त खर्चे के लिए डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए तो उन्होंने 6.5 बिलियन डॉलर रुपीज से सीनेट से डिमांड किए अपनी कांग्रेस से डिमांड किए कि मुझे इतना बजट अलाउ किया जाए मैं छह बिलियन डॉलर खर्च करके सड़क का ये मतलब कंक्रीट की नहीं बल्कि लोहे दीवार का निर्माण करूंगा सवाल बना कि ठीक है अगर ऐसा है तो अगर आप यहां पर सड़क का निर्माण करेंगे मतलब कंक्रीट की वॉल का निर्माण करेंगे तो इसमें खर्चा तो बहुत आएगा ऐसी स्थिति में अमेरिका 6.5 बिलियन डॉलर खर्च करने के लिए तैयार नहीं हुआ लेकिन बाइडेन अपने द्वारा कहे गए बातों पर का ये ट्रंप अपने द्वारा कहे गए बातों पर कायम रहे और इन्होंने 2018 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी उन चार राज्यों के अंदर जहां पर इस दीवार का निर्माण होना है 2019 तक पहुंचते पहुंचते इन्हें परमिशन तो नहीं मिली लेकिन इन्होंने इमरजेंसी का उपयोग करते हुए एक जबरदस्त कारनामा कर दिया आपको मालूम होना चाहिए कि जब इमरजेंसी लगती है तो अधिकार राष्ट्रपति के पास सीमित हो जाते हैं राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं ऐसी स्थिति में अमेरिका के इस डोनाल्ड ट्रंप ने किया क्या कि जो रक्षा बजट था यानी डिफेंस के लिए जो बजट बजट दिया गया था उस का उपयोग इस दीवार को बनाने में करना शुरू कर दिया जिसके चलते अमेरिका में बहुत जगह ट्रंप का विरोध भी हुआ कि इन्होंने रक्षा बजट दीवार बनाने में उपयोग में ले लिया है लेकिन ये ठहरे वचन के पक्के क्योंकि इन्होंने वादा किया था चुनावों में कि जब मैं सत्ता

ज़्यादा लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं सालाना कि जितने लोगों को अमेरिका की के चुनावी वादों को निभाते हुए, उन्होंने अपने शासनकाल में दो में पांच बिलियन डॉलर अलॉट करने के बाद दीवार का निर्माण शुरू हो गया दीवार का निर्माण भी शुरू हो गया साथियों लेकिन दीवार के निर्माण के साथ साथ ही बाइडेन समर्थक लोगों ने और विशेष रूप से उन लोगों ने जो ये मानते हैं कि प्रवासी भी इसलिए आते हैं क्योंकि उनके वहां पर इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है जिन्हें आप लिबरल्स कहते हैं वो लिबरल लोगों के कहने से बाइडेन ने इस दीवार का निर्माण रोक दिया दीवार के निर्माण को रोकते ही अब ट्रंप की बारी थी ट्रंप वापस उतर रहे हैं मैदान में और उसी टेक्सास में पहुंच रहे हैं जहां से इस दीवार का निर्माण रोका गया है और 30 जून को वो इसके समर्थन में रैली करेंगे और अपने समर्थन में लोगों को जुटाने का प्रयास करेंगे याद रखिएगा ड्रग की स्मगलिंग के लिए मैक्सिको बॉर्डर सबसे ज्यादा पोरस बॉर्डर माना जाता है ये तमाम बातें हैं और ये जो दीवार है कुछ इस प्रकार के द्वारा बनाई जानी है जो आपके सामने है आप जरा इसे देख सकते हैं इस प्रकार की लोहे की दीवार बनाया जाना प्रस्तावित है अमेरिका और मेक्सिको के बीच में क्लियर है ये अमेरिका और मेक्सिको के बीच की दीवार के कुछ दृश्य हैं जिसको ट्रंप खुद मुआयना कर रहे हैं कि किस प्रकार की ये दीवार बनाई गई है लगभग तीन आदमी भी इसके ऊपर चढ़कर के ना निकल सके ऐसी दीवार बनाई गई है अब लोगों का कहना क्या है लोगों का कहना यह है कि सर क्या अमेरिका के पास में कोई सर्विलांस सिस्टम नहीं है क्या या लोगों के पास अमेरिका के पास में क्या सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं है क्या जो लोगों को खड़ा करके वहां पर गार्ड्स की मदद से वो एंट्री ना करने दे अमेरिका तो बहुत टेक्नोलॉजिकली संपन्न है वास्तविकता में क्या है साथियों ये जो दीवारें बनाई जा रही हैं ये पोरस दीवारें हैं पोरस का मतलब इनमें से होकर के एंगल डले हुए हैं अब भाई मेरा जैसा दिमाग तो यह भी सोचता है कि किसी को ड्रग पहुंचानी होगी तो वो दीवार पर चढ़ के क्यों फेंकेगा इस छेद में से ही फेंक देगा कि ले भाई ले 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 उधर की तरफ पकड़ ले। रीजन क्या है इस मेक्सिको बॉर्डर का यहां पर साथियों होता क्या है इस बॉर्डर के नीचे टनल बना दी जाती है और वो जो टनल है ना वो अमेरिका में खुलती है दो दो किलोमीटर दूर यानी कि यहां पर टनल का साम्राज्य ऐसा है कि जिसको अमेरिका जाना होता है वो दीवारों के नीचे से टनल निकालता है तो बाइडेन का कहना है कि यह समस्या तब तक बरकरार रहेगी जब तक मैक्सिको गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई कदम ना उठा ले जब तक मैक्सिको गवर्नमेंट इन्हें नहीं रोकेगी लोग आते रहेंगे मान लीजिए लोग नहीं आए लेकिन ड्रग्स तो आ ही जाएंगे ना तो इतना पैसा खर्च करना एक बेफूफी का कार्य है इस कारण से ट्रंप का बहुत जगह विरोध भी हुआ है साथियों इन सब बातों में से एक बात निकल करके आती है और वो ये है कि चुनावी वादों को निभाने के लिए ट्रंप ने जो अमेरिका फर्स्ट की नीति अपनाई थी उसके चलते हुए ये सारे कारनामे हुए हैं एक सत्य हम यहां पर और निकाल सकते हैं सर एक बात बताइए ये जितनी भी जगह पर बातें हो रही हैं इसमें इनका समर्थन कौन कर रहा है साथियों जिन रिपब्लिक ने इनके विरोध में वोटिंग की थी इंपीचमेंट प्रक्रिया में वो तक डोनाल्ड ट्रंप के साथ आके खड़े हो गए हैं इस मुद्दे पर कि हां भाई हम आपके साथ हैं क्योंकि आपने इस बड़े मुद्दे को उठाया था हम आपके साथ बने रहेंगे ये इंटरनेशनल वॉल का मुद्दा जो है ये दुनिया में बहुत ज्यादा चर्चित मुद्दा है और इस चर्चित मुद्दे के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही है कि यहां पर बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होने हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के लिए यहां पर बाइडन सरकार तर्च तैयार नहीं है और ट्रंप सरकार फिर से इसी मुद्दे को लेकर के चुनाव में उतरना चाहती है फिलहाल के लिए इतना ही आगे बढ़ते हैं साथियों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर की तरफ जो दुनिया के अंदर इस समय ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है क्या है खबर आइए हम बताते हैं एमएलएफ फंड लिख रहे हैं ऐसी दीवार भारत से लगती सीमा बांग्लादेश और पाकिस्तान पर होनी चाहिए भाई साहब जब अमेरिका के पास पैसे नहीं ब... हम्म 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 अब ठीक हो गया है कई बार हो जाता है कोई दिक्कत की बात नहीं रुकी हॉलवेल लग well? लिख रहे हैं ऐसी दीवार भारत से लगती सीमा बांग्लादेश और पाकिस्तान हम्म अब ठीक होगा कोई बात नहीं चलिए चलिए हो जाता है कई बार क्या होता है ना कि मतलब आ, इंटरनेट में भी फ्लक्चुएशन आते हैं जिसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है लेकिन डेटा केबल लगाने से यह समस्या दूर हो जाती है आइए साथियों बढ़ते हैं एक जबरदस्त दुनिया के अंदर हो रही खबर के ऊपर और वो खबर क्या है साथियों ऑस्ट्रेलिया में इन दिनों आई हुई है भीषण बाढ़ और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आई हुई भीषण बाढ़ को देखते हुए और यह पर्यावरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और आप लोग एक चीज नोटिस करिए अगर आपने कुछ दिनों से अगर नोटिस किया हो तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में खबरें बड़ी अजीब आ रही हैं है ना ऐसा कहीं और से नहीं आ रहा है मतलब इंडिया में ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है है ना ऐसी कोई खबर किसी और देश से भी नहीं आ रही है ऑस्ट्रेलिया से ही खबर आ रही है और इस बात को देखते हुए वैज्ञानिक बड़े चिंतित और अचंभित भी हैं कि दुनिया के किसी एक कॉन्टिनेंट पर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं कौन सी घटनाएं कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया यहां चूहों की बारिश हो रही है मतलब ऐसा हो गया जैसे हम ना किसी मतलब कोई कॉमेडी शो चल रहा हो ऑस्ट्रेलिया के बारे में खबरें ऐसी ऊट पटांग आती हैं क्या कि वहां से कभी चूहों की बारिश हो रही है ठीक है फिर पता चल रहा है कभी वहां पर ऊंट मर जा रहे हैं ठीक है अभी जो खबर आ रही है वो ऐसी है कि साहब यहां पर मकड़ियों ने ऐसे जाले बुन लिए हैं लग रहा है कि बाढ़ आ रही है ये अपने आप में विचित्र घटना है और इतनी बड़ी विचित्र घटना है कि दुनिया का कोई भी न्यूज पेपर ऐसा नहीं है जो इसको कवर ना कर रहा हो तो हमने भी सोचा कि आपको इस जरूर बारे में बताया जाए क्योंकि यह सब कहीं ना कहीं एनवायरमेंट के बदलते हुए रूप को इंडिकेट कर रहा है साथियों ऑस्ट्रेलिया में यह सीजन जो है सर्दियों का है और इस समय वहां पर आती है बारिश और अभी रिसेंटली वहां पर एक प्रांत है विक्टोरिया जो साउथ ईस्ट में स्थित है ऑस्ट्रेलिया के वहां पर बाढ़ आई बाढ़ के चले जाने के बाद मकड़ियों ने पेड़ों पर ऐसे लिए कि देखने वालों को लग रहा है अभी भी बाढ़ आ रही है जरा आप भी देखिए मैं बताता हूं आपको कि क्या हो रहा है साथियों ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहां पर पेड़ पौधों के ऊपर बिछी हुई घास मैं आपको नोटिस कराता हूं और यह मतलब पूरी दुनिया भर के समाचार पत्रों के अंदर सुर्खी बटोर रही है आप इसे देखें और मतलब हर जगह इस बारे में बात हो रही है कि मकड़ी ने

उठा लीजिए जहां भी आप देख रहे हैं यही न्यूज निकल करके आ रही है साथियों मकड़ी की एक प्रजाति है, जिसे असल में मकड़ियां सारी में आती है और आपको वीडियो चला के दिखाता हूं आप इसे देखिए जरा आप इसको फील करिए हो क्या रहा है, मतलब कितना मतलब विचित्र प्रकार की घटना है अब आपको ऐसा लग रहा है जैसे पानी बह रहा हो असल में मकड़ी का जाला है और एक जगह नहीं कितनी लंबी दूरी तक यह मकड़ियों का जाला है आप देखिए यह मकड़ियों का जाला है आप इसे देखें उम्मीद है आप इसको नोटिस कर पा रहे हो कि कितनी मतलब पौधे को पूरी तरह से मकड़ी के जाले ने लपेट दिया है और छोटी मोटी दूरी तक नहीं है किसी एकाद पेड़ पर नहीं है लंबी लंबी दूरी में उपस्थित जो पेड़ हैं वो सारे के सारे जाल में लपेट दिए गए हैं दूर तक यह जाला जो है यह बना हुआ है वैज्ञानिकों से पूछा गया कि भाई ये हो क्या रहा है तो उनका कहना है कि ये जो घटना है ये मकड़ी के द्वारा संकट की स्थिति में बनाई जाती है अब आप पूछेंगे क्या संकट मानव जाति पर आने वाला है तो वैज्ञानिकों का कहना है कि ये संकट मानव जाति पर नहीं आने वाला है अब आप जरा देखिए मकड़ी जाला कैसे बनाती है साथियों होता क्या है मकड़ी अपने मुंह से वो लावा जैसा पदार्थ निकालती है जिससे कि वो बॉर्डर बना सके जाला बना सके और मकड़ी चिंता के समय पर अपने लिए जाल बुनती है और वो वो जो जाल होता है वो सुरक्षा की दृष्टि से जब बनाया जाता है तो इस घटना को बैलूनिंग घटना तो द्वारा खुद की सुरक्षा में बनाया गया बलून है जिसे बैलूनिंग की घटना कहा जा रहा है और ये बैलूनिंग की घटना में जो चिंता की बात है वो किसके लिए है वो चिंता की बात है मेरे प्यारे साथियों मकड़ी के लिए इंसानों के लिए नहीं है वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मकड़ियों में पाया जाने वाला एक विशेष गुण है और वो विशेष गुण क्या है कि जब इन्हें बाढ़ के समय पर ऐसा लगा होगा कि हमारा भोजन समाप्त हो गया है तो बाढ़ के चले जाने पर यह भविष्य में अगर ऐसी घटना हो उसके लिए खुद को स्वाभाविक रूप से तैयार करना शुरू कर देती है और तैयार करने के लिए यह जाले बुनना शुरू करती है और यह जाले बुनते बुनते अपने आप को पेड़ पौधों से बहुत ऊंचाई पर ले जाती है क्योंकि बाढ़ के दौरान इसका हैबिटेट लॉस हो गया था और यह प्रकृति के अंदर हर जगह पाई जाने वाली घटना है इसे बैलूनिंग की घटना कहते हैं तो अब सवाल क्या बना कि मकड़ी का जो बैलूनिंग है वो क्या है तो मकड़ी के द्वारा खुद की सुरक्षा में बनाया गया जाला जो कि इतने उच्च स्तर पर बनाया जाए जो उसे प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रख ले उसे बैलूनिंग कहा जाता है और यह हमेशा तब होता है जब इसे किसी पहले प्राकृतिक डिजास्टर ने ट्रिगर किया हुआ हो यानी किसी प्राकृतिक डिजास्टर की वजह से पहले ये ट्रिगर हुआ हो उसके बाद ही इस प्रकार की घटनाएं होती हैं क्लियर है तो ये घटना क्यों निकल के आई उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी दुनिया इस बात को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित है क्योंकि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के अंदर चूहों की बारिश खबरों में थी और चूहों की बारिश के खबरों के साथ साथ कैमल्स की मृत्यु जो दस हजार कैमल्स मरे थे बुशफायर के कारण यानी कि एनवायरमेंट के जितने भी ड्रास्टिक करेक्टर हैं वो

खुद के ही बनाए हुए मकर जाल में फंस गया है क्या हुआ पूरी की पूरी कहानी अब हम आपको बताते हैं साथियों आप सबको मालूम होगा कि भारत सरकार के द्वारा 25 फरवरी 2021 को आईटी नियम्स के अंदर कुछ सुधार किए गए थे जिसमें टारगेट दिया गया था कि 25 मई यानी 25 फरवरी से तीन महीने 25 मई तक भारत में कार्य करने वाले तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चाहे फिर वो ट्विटर हो फेसबुक हो इंस्टा हो यूट्यूब हो गूगल हो जो भी हो उन्हें अपने यहां पर तीन विशेष प्रकार के अधिकारी नियुक्त करने थे वो अधिकारी इसलिए कि अगर किसी को किसी भी प्रकार से ट्विटर से कोई शिकायत है या फिर कोई भी ऐसी काम मतलब ऐसी शिकायत है या फिर मान लीजिए ऐसी कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट है जिससे कि आपको मतलब खुद ऑफेंडेड फील कर रहे हैं अगर आप उसे हटाना चाहते हैं तो आप इन अधिकारियों के संपर्क में जा सकते हैं ट्विटर ने सरकार के इन नियमों को नहीं माना लेकिन सरकार ने भी अपनी बात मनवाने का तरीका सोच लिया है ट्विटर के ऊपर भारत का पहला केस 15 जून को दर्ज कर लिया गया ट्विटर के ऊपर हुआ पहला केस क्यों महत्वपूर्ण है आज के सेशन में आपको यही पता चलेगा ट्विटर पर पहला केस क्यों महत्वपूर्ण है इसको समझने के लिए पहले आपको आईटी नियम को समझना होगा भारत सरकार के जो नए वर्तमान आईटी नियम आए थे उसमें यह कहा गया था यदि किसी भी चैनल ने या फिर कोई भी जो वर्तमान में चल रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इन्होंने अगर हमारे नियमों के साथ साथ जुड़ने का कार्य नहीं किया तो उन्हें हमारे द्वारा इंटरमीडियरी के दर्जे से बाहर कर दिया जाएगा अब ये इंटरमीडियरी क्या होता है आइए एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं ये सारा सेशन बिलोंग करता है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी स्पेस कंप्यूटर रोबोटिक्स इन सब बातों से तो नई आईटी नियमों के आधार पर कानूनी संरक्षण जिससे छीन लिया गया है उसका नाम है ट्विटर क्या हुई है पूरी कहानी आइए मैं आप आपको बताता हूं साथियों क्या हुआ आइए एक एक करके सारी बातें बताते हैं साथियों मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रविशंकर प्रसाद जी के नेतृत्व में कुछ नियम लाए गए थे जिसके तहत ट्विटर की इस चिड़िया के ऊपर जाला डाल दिया गया है अब ये ट्विटर जो ट्वीट ट्वीट करता था अब उसके ऊपर जाला डाल दिया गया है क्या थे नियम उसके आधार पर मैं कुछ बातें बताता हूं साथियों कहा गया था ट्विटर से क्या कहा गया था कि भैया बात ऐसी है कि अगर आप लोग अपने यहां पर किसी ने कोई ट्वीट किया उसके बारे में अगर हमें नहीं बता पाए कि इसका ओरिजिन क्या है यानी कि यह कहां से ओरिजिनेट हुआ है तो हम आपके ट्वीटर्स को ट्वीट को रोक देंगे तो अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों रीजन क्या है साथियों कि भारत में जो इंटरमीडियरी शब्द है उस इंटरमीडियरी शब्द का रीजन है उस इंटरमीडियरी शब्द के मायने हैं क्या मायने हैं जिस प्रकार से डाकिया डाक दांक लाया एक लाइन सुनी होगी आपने डाकिया डाक लाया पोस्टमैन पोस्ट लाया तो मान लीजिएगा कि ये कोई पोस्टमैन है मैंने इस पोस्टमैन को ये पोस्ट पकड़ाई कि भैया इस पोस्ट को एक स्थान से ले जाकर दूसरे स्थान पर दे दो इसने दूसरी जगह ये पोस्ट लैंड कर दी पोस्टमैन वापस आ जाता है साथियों अभी तक भारत में ये प्रावधान था कि ट्विटर फेसबुक इंस्टा ये सब पोस्टमैन हैं अर्थात ये सब इंटरमीडियरी हैं यानी ये सब मध्यस्थ हैं जो सूचनाओं को एक स्थान से लेते हैं और दूसरे स्थान पर छोड़ने का कार्य करते हैं इनके पास में और कोई कार्य नहीं है ये केवल सूचनाओं के वाहक हैं इनका ओरिजिनली कोई भी मतलब नहीं है इतनी बात समझ में आ रही है बात तो हमारे भी समझ में आ रही है कि भाई यहां से सूचनाएं ली इधर की तरफ लैंड कर दी ठीक है भारत सरकार ने लेकिन यह पूछा कि देखिए आप लोग बिल्कुल सही हैं आप तो प्लेटफॉर्म हैं आप पर जिसको न्यूज डालनी है डाले जिसको पढ़नी है वो पढ़े और हम आपको ये पूरी की पूरी हिफाजत हमारे आईटी नियम धारा 79 के आधार पर देते हैं आईटी कानून 2000 में बना था उसकी धारा 79 के अधीन हम आपको ये प्रावधान देते हैं कि आप लोग इंटरमीडियरी कहलाएंगे जरा मैं आपको दिखा दूं कि वो कौन सा है ये है आई एक्ट दो और इसकी ये है सेक्शन 79 इसके अंतर्गत क्या है कि हम आपको इंटरमीडियरी का दर्जा देते हैं यानी कि सिंपली हम मान लेते हैं कि ट्विटर और कुछ नहीं केवल एक पोस्टमैन है मान लिया सर लेकिन पता है फिर क्या हुआ ट्विटर से यह कहा गया सरकार के द्वारा कि आपका काम इस पोस्ट को यहां से लेके यहां पहुंचाने का अब तक रहा है फिलहाल के लिए आप एक काम और कर दीजिए आप केवल यह बता दो कि यह भेजा किसने है इतना ही तो पूछा गया था दोबारा सुनिएगा ट्विटर से कहा गया कि आपका काम किसी भी पोस्ट को यानी ये मान लीजिए ये पोस्ट है आपने इस पोस्ट को पकड़ा इस पोस्ट को यहां तक ले जाके छोड़ दिया अब अगर छोड़ दिया तो आपसे निवेदन ये किया जा रहा है कि ऐसे पोस्ट अब मान लो कॉमन सेंस भाई मान लो कि इस पोस्ट को आप मुझ तक भेज दो ये भेज रहे हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है आराम से भेजते रहो मैं हर बार आपसे नहीं पूछूंगा कि किसने ये सामान भेजा केवल उस समय जब देश की सुरक्षा चैलेंज हो रही हो जैसे आज मान लीजिए आपका पोस्टमैन आपके जॉब का इंटरव्यू लेटर लेके आए या फिर जॉब की अपॉइंटमेंट लेटर लेके आए आप भाई साहब उस मतलब पोस्टमैन को अपनी तरफ से मिठाई भी खिलाते हैं और बहुत बढ़िया सूचना तुम लेकर के आए लेकिन जरा सोचो कि पोस्टमैन जो है वो आपके सामने बम ले आए या फिर कोई भी गाली भरा पत्र ले आए या फिर कोई ऐसा आपत्तिजनक कंटेंट आपके घर दे जाए तो आप निश्चित ही अपने अंदर क्यूरोसिटी लाएंगे और यह पूछेंगे कि यार ये भेजा किसने है यह तो बताओ यानी ओरिजिन ऑफ सोर्स क्या है यह तो बताओ ट्विटर ने कहा कि हम ये नहीं बता सकते बोले क्यों नहीं बता सकते क्योंकि हमारा ये प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाएगा यानी कि ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास में हम यह नहीं कर सकते किसने भेजा हम यह नहीं बताएंगे तो भाई बात ऐसी है। अगर तुम किसने भेजा यह नहीं बताओगे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रूप से समझना इस बात को तो भारत सरकार ने कहा कि बेटा सुनो तुम्हें पता नहीं है कि तुमको हमने क्या दिया हुआ है बोले क्या दिया हुआ है बोले तुमको हमने दिया हुआ है एक वो स्टेटस जिसपे तुम्हें कोई भी आरोपी नहीं बना सकता यानी कल को कोई केस होगा तो वो केस उस ट्वीट करने वाले पर होगा या ट्वीट को फॉरवर्ड करने वाले पर होगा तुम्हारे ऊपर नहीं होगा हमने आज तक तुम्हें ये सुविधा दी हुई थी जिसे हम कहते हैं इंटरमीडियरी को दी हुई कानूनी सुरक्षा आगे से बेटा अगर तुम यह नहीं बताओगे हमें कि तुम्हारे ऊपर यह आपत्तिजनक कंटेंट किसने डाला तो हम यही मानेंगे बेटा कि इस पोस्ट को तुम ही लेके आए थे तो वो उस आदमी को हम जानते ही नहीं है क्योंकि तुम तो उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हो ना तो तुम उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करो आगे से बेटा हम इसके लिए तुम्हें जिम्मेदार मानेंगे हम ये नहीं मानेंगे कि तुम्हें किसने दिया हम क्यों पूछने लगे हमारे सामने पोस्ट आया हमने पोस्ट उतार लिया और हम कहेंगे कि सर यह ट्विटर नामक जो संस्था है इसने हमें पोस्ट भेजा अदरवाइज तो हम तक पहुंचता ही नहीं तो बेटा कोई बात नहीं तुम घर जाओ आराम से बढ़िया से ट्वीट ट्वीट खेलो और हम तुम्हारे साथ में अब जो नया नियम ला रहे हैं उसमें यह है कि तुम्हारे यहां पर जो केस करने का प्रावधान था यह हटा दिया जा रहा है मतलब तुमको अब जो सुरक्षा हमारे द्वारा दी हुई थी कानूनी संरक्षण की वो हटा दी जा रही है अब बढ़िया से कोई भी व्यक्ति यह नहीं खोजेगा कि फर्स्ट ऑरिजिनेटर कौन है वो तुम्हारे ऊपर केस करेगा और शुभारंभ भी हो गया साथियों पच्चीस मई तक का समय दिया गया था इनको कि बेटा या तो सुधर जाओ और नहीं सुधरोगे तो तुम्हारे ऊपर केस का सिलसिला शुरू हो जाएगा जून को इसका श्री गणेश आप यहां तक समझ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करिए जिस पर अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो अपनी शिकायत कर सके ट्विटर ने उस बात को नहीं माना तो कोई बात नहीं, नहीं माना तो इनके ऊपर केस हुआ जैसे ही केस हुआ इधर देखिए आपको मजा आएगा मतलब कहते हैं ना एक कहावत है कि भय बिन प्रीत ना हो गोपाला ये डाट तेरी घंटी माला आप जरा इस न्यूज को पढ़ करके देखिए अभी आपको दिखाते हैं साथियों मतलब मजा आएगा देखिए ट्विटर अपॉइंट्स इंटरिम चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर फॉर इंडिया एज मैंडेटेड अंदर न्यू आई लॉ ये जरा देखें न्यूज कब की है शायद आपको भी दिख जाए कहते हैं ना कि भैया बिना जो है ना धमकाए काम नहीं होता है तो इधर देखिए 16 जून 2021 की न्यूज देखें शायद आपको दिख रही हो 16 जून 2021 की न्यूज है और उसके ऊपर 15 जून तारीख देख सकते हैं क्योंकि 15 जून को सरकार के द्वारा सरकार के द्वारा नहीं लोगों के द्वारा ट्विटर के ऊपर केस कर दिया गया सर ये भ्रामक खबरें फैला रहा है चलते हैं तो पहला केस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पहला केस ट्विटर पर हुआ है मजाक है क्या और बाकी सबने तो तुरंत बातें मान ली थी ट्विटर ज्यादा ट्वीट ट्वीट कर रहा था इसके तुरंत इसने मान लिया सर हमने कर लिया है अपॉइंट पर बेटा अब तो केस चलेगा के जिम्मेदारियां हम तुम्हारी।, तुम्हारी तुम तो। हम तुम्हारी सुरक्षा हटा रहे हैं मतलब तुमको अब जिम्मेदार लोग बना सकेंगे अब तुम इंटरमीडियरी के माध्यम से तुम्हारी सुरक्षा थी ना बेटा वो हम हटा रहे हैं लोड मत लो अब मस्त रहो से काम करो अब ट्विटर को सरकार ने पिंजरे में डाल करके ट्वीट करने के लिए मजबूर कर दिया है कि तुम रहो बेटा अब तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा अब तुम्हें भी इंडियन पीनल कोड की धाराओं का सामना करना पड़ेगा आईपीसी की धाराओं का सामना करना पड़ेगा अब होती है साफ घटना कि हुआ क्या था तो चलिए साथियों अब वो घटना सुनिए जो ट्विटर के ऊपर पहली एफआईआर का कारण बनी हुआ क्या क्योंकि देखिए सरकार का सिंपल सा कहना था कि देखिए बातें यह है कि ट्विटर का उपयोग लोग अफवाहों को फैलाने में ज्यादा कर रहे हैं अगर कोई सरकार किसी स्थिति को नियंत्रित करना चाहती है आप उस घटना को फैला करके उस पर आग भड़काने का कार्य कर रहे हैं और आप जब मैन्युपुलेटेड मीडिया की बात आती है तो ऐसे वीडियो के ऊपर आप टैग भी नहीं करते क्या है पूरा मसला अब मैं आपको बताता हूं साथियों ट्विटर पर 15 तारीख को एक वीडियो वायरल हुआ उस वीडियो के अंदर एक अब्दुल समद नामक व्यक्ति था गाजियाबाद के अंदर गाजियाबाद में अब्दुल समद नामक व्यक्ति का जो कि धर्म से मुस्लिम था उस व्यक्ति की डाढ़ी को कुछ लोगों के द्वारा उपद्रवी तत्वों के द्वारा काटते हुए दिखाया गया और काटते हुए दिखाते हुए यह कहा गया कि यह व्यक्ति जय श्री राम के नारे नहीं लगा रहा था इसलिए इसकी दाढ़ी काटी जा रही है और मीडिया रिपोर्टिंग्स की अगर माने तो उसमें और भी बहुत सारी आपत्तिजनक बातें थी ये बातें जब निकल करके वीडियो पर आई तो वीडियो से ऑब्वियस बात है कि सेंटिमेंट भड़कने तय थे जैसे ही आपने सुना आपको भी बहुत अचानक बुरा लगा आपको भी ये लगा कि यार ऐसा हमारे देश में कैसे हो सकता है मतलब हमारे यहां अभिव्यक्ति की आजादी है धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी है ऐसा जो करने वाला व्यक्ति होगा वो देश के संविधान को मान ही नहीं सकता और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए ये आपका मानना भी है ये मेरा मानना भी है अगर ये बात सच है तो क्लियर लेकिन सच्चाई को जांचेगा कौन आपने एक कानूनी सिस्टम बनाया हुआ है कानूनी सिस्टम में आती है पुलिस पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया ट्विटर पर आए हुए इस मामले के बाद में अब यह मामला चूंकि ट्विटर पे था तो सबसे पहली बात तो यह समझिए यह वीडियो ट्विटर पर है और इसकी वजह से सांप्रदायिक हिंसा भड़क सकती है क्योंकि बहुत ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है तो ऑब्वियस ही बात है कि सबसे पहली जानकारी ट्विटर को यह देनी चाहिए कि भाई ये वीडियो किसने अपलोड किया नंबर एक ताकि पहले उसे रोका जाए कि भाई ये तुम कर क्या रहे हो तुम्हें इसकी सेंसिटिविटी नहीं पता है क्या अगर पता है तो सीधा सरकार के पास जाइए नहीं भी पता है तो मीडिया हाउसेस के पास जाइए ट्विटर का उपयोग क्यों कर रहे हैं नंबर एक बात और दूसरा ये वीडियो जितने भी लोगों के पास जाएगा बिना सत्यता प्रमाणित हुए दंगे भड़क सकते हैं उनकी कैजुअलिटी कौन भरेगा तुम तो स्वतंत्रता की बात कर रहे हो लेकिन कैजुअलिटीज जो होंगी उनको कौन कंट्रोल करेगा नंबर तो दूसरा पॉइंट तो ट्विटर जिम्मेदार ठहराया गया इस आधार पर ट्विटर के ऊपर केस बुक कर दिया गया तो ट्विटर का तो हो गया काम अब चलते हैं हम इस मुद्दे के ऊपर मुद्दा प्रकाश में लाया काफी उठाया कांग्रेस ने जब मुद्दे को उठाया तो फिर यूपी सरकार चूंकि गाजियाबाद यूपी में है, वो भी अपना स्टैंड लेकर सामने आई और अपना स्टैंड लेकर सामने आई तो यह बताया कि यह जो व्यक्ति है अब यह गाजियाबाद पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है जिसमें कि सभी लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं इसमें लिखा गया है कि सोशल मीडिया पर बुजुर्ग के साथ मारपीट और अभद्रता का जो वीडियो आया, इसके संबंध में जांच करने पर पाया गया कि अब्दुल समद जून को बुलंद शहर से बेहटा लोनी बॉर्डर आया था जहां एक अन्य व्यक्ति के साथ मुख्य आरोपी परवेश गुज्जर के घर बंथला लोनी गया था परवेश के घर पर कुछ समय में अन्य लड़के कल्लू पोली आरिफ आदिल मुशाहिद आदि आ गए और प्रवेश के साथ मिलकर के उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिए चूंकि भारत में नामों के साथ धर्म ढूंढ लिया जाता है इसलिए यहां पर गाजियाबाद पुलिस ने सबके नामजद अपने द्वारा स्पष्टीकरण दिया आदि प्रवेश के साथ मिलकर के उसके साथ मारपीट शुरू कर दी उसके अनुसार अब्दुल समद ताबीज बनाने का काम करता है और इस बात की पुष्टि विभिन्न मीडिया हाउसेज ने भी करी है ताबीज क्या होता है जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं आप में से भी कुछ लोग होंगे जो ताबीज धारण करते होंगे है ना अपने अपने जिन देवी देवताओं को आप मानते हैं या जिस भी प्रकार की आप मतलब सुपरस्टिशियस बॉडी के अंदर बिलीव करते हैं कि भाई रात को सब बुरे सपने ना आए है ना कई बच्चे होते हैं जो बड़े होकर के भी पैंट गीली कर देते हैं रात को सोते सोते सूसू बाहर निकल जाती है उनको रोकने के लिए घर वाले जो है उनके गले में ताबीज या गंडा बनवा देते हैं कुछ लोग होते हैं जिनको डरा

सुपर है बाकी तो मतलब ये थोड़ी दुनिया में हर आदमी पहन रहा है लेकिन विश्वास है मैंने ये धागे पहन रखे हैं कि सुपरस्टिशन ही तो है घर वालों ने कहा कि बेटा पहन लो इससे सब अच्छा होता है हम पहन लिए तो ऐसे ही ताबीज भी गले में बांध लिया जाता है ठीक है ये व्यक्ति ताबीज बांधने का काम करता था बिल्कुल इसके साथ वैसे हुआ जैसे मान लीजिएगा कि दिमाग तेज चलाएगा इसके लिए एक मतलब हमारे मान लीजिए अंगूठी पहना दी गई इस व्यक्ति ने भी लोगों के गले में ताबीज बांधे कि भाई इसकी वजह से तुम्हें बुरे सपने नहीं आएंगे उदाहरण के रूप में समझिएगा लेकिन हुआ क्या जिसके ताबीज बांधा उसको और बुरे सपने आने लग गए या मान लीजिए कि ये लोग कई प्रकार के ट्रीटमेंट देते हैं कई प्रकार के ट्रीटमेंट जैसे कि मिले मतलब वर्षों पुरानी बीमारियों से इलाज पाने के लिए है ना मतलब इंशाल्लाह अगर खुदा ने चाहा तो किसी को खून के आंसू नहीं रोने दूंगा हकीम उस्मानी इस प्रकार के दीवारों पर लिखी हुई चीजें देखते हैं आप। वो भी तावीज बांधने का काम करते हैं तो भाई ताबीज बांधी लेकिन उस भाई के साथ और बुरा हो गया और जिसके साथ बहुत बुरा होता है वो बहुत बुरा रिएक्ट भी करता है है ना? तो इसके घर पर जितने भी मीडिया हाउसेस भी गए हैं उन्होंने भी पाया कि यह तावीज बांधने का काम करता है ठीक है अब सच्चाई क्या है वो बात अलग पेशा इसका ताबीज बांधना है पुलिस का कहना है कि इसने जो तावीज बांधे वो तावीज किसी के गलत असर कर गए और जिसके गलत असर कर गए वो इसको कूट रहा था अब कूटने में क्या कुछ निकल के आया वो बात पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है तो यहां लिखा है यहां पर ताबीज से उसके परिवार पर उल्टा असर हो गया यानी कि यह चीज रिएक्शन कर गई हम तेज दिमाग के लिए बांधे और हम दिमाग धीमा कर लिए तो यह बात बिल्कुल इसके साथ ऐसा हुआ यह यह पुलिस पुलिस का वर्जन है। पुलिस के वर्जन है के में इस वजह से उन्होंने कृत्य किया अब्दुल समद और प्रवेश आदिल कल्लू आदि लड़के एक दूसरे से पूर्व से परिचित थे क्योंकि अब्दुल समद द्वारा गांव के कई लोगों को ताबीज बांधे गए थे और प्रकरण में पंजीकृत अभियोग में समुचित धाराओं में वृद्धि करते हुए पूर्व में ही मुख्य अभियुक्त प्रवेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई है ठीक है तो पुलिस ने जो मुख्य आरोपी था वो गिरफ्तार कर लिया भाई गैर कानूनी काम आपने किया संविधान के विरुद्ध आपने काम किया तो ऑब्वियस सी बात है कि, कि किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो पुलिस ने गिरफ्तार करने का काम कर लिया है लेकिन अब एंट्री होती है जैसे कल मैंने आपको पढ़ाया था कि वो वीडियो जरूर देखना एक वीडियो मैंने पढ़ा रखा है कि क्या कोवैक्सीन में है बछड़े का सीरम कल शाम को साढ़े बजे मैंने वीडियो लिया था उसमें भी इसी प्रकार की एक भ्रामक जानकारी है भ्रामक जानकारी से मतलब बछड़े का सीरम हाईलाइट कर दिया जिससे कि लोगों के रिलीजियो

तुमने इस घटना को फैलाने का कार्य किया एक दिन के अंदर ट्विटर समझ गया कि मामला उसके हाथ से निकल गया है और उसने तुरंत अगले दिन अपने द्वारा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर सीसीओ की नियुक्ति भी कर दी है ठीक है है ना तो तो पूरा पूरा मुद्दा है साथ तो मैंने पूरा मुद्दा साथियों मैंने आपको दोनों पक्षों के साथ बता दिया यहां पर राहुल गांधी जी और योगी आदित्यनाथ के एक दूसरे के ऊपर ट्वीट भी हैं धार्मिक शब्दों से जुड़े हुए ट्वीट भी हैं और उन ट्वीट्स में एक दूसरे के खिलाफ टिप्पणी भी हुई है राजनेता हैं तो राजनीतिक बातें करेंगे राजनीति इसी तरह से चलती है कि जनमानस को कैसे जोड़ा जाए या तो सार्थक कारणों से या विरोधी कारणों से। लेकिन हां राजनीति में होता ऐसा ही है उतरता है तो हम आपको बता दें कि दो में ट्विटर ट्विटर इतना हो गया कि आप और में से भी कई लोग ऐसे हैं जो पहले फेसबुक से ऊपर कहीं नहीं गए थे फेसबुक वाले जब इंस्टा लाए तो हम इंस्टा पर चले गए मैं तो आज तक इंस्टा चलाना नहीं जानता हूं मतलब डलती जरूर है पोस्ट लेकिन मैं नहीं डाल पाता हूं समझ रहे हैं वो वाली हाल है अब यहां से आगे ट्विटर नामक चीज और थी उस पर भी मैं हूं लेकिन फिर वही वाली बात कि उसका भी यूज करना मैं नहीं जानता हूं कि करना क्या है हाँ एक आध बार कभी उस पे ट्वीट किए हैं कुछ मिला कि दस ट्वीट होंगे लेकिन जितना चर्चा में ट्विटर आया उसका फायदा ट्विटर को देखो कितना हुआ है जनाब ये देखिए आप करोड़ ट्विटर पर उपभोक्ता हो गए कहते हैं ना बदनामी में भी तेरा नाम है तो भाई साहब इसने इतना कमाया विज्ञापनों से छियासी कमाई करता है और लाइसेंस से चौदह कमाई करता है दुनिया में सबसे ज्यादा जो फॉलोअर्स हैं उनमें मोदी जी नंबर बारहवे पर आते हैं सबसे ज्यादा ट्विटर पर बराक ओबामा के हैं। बराक सबसे रखने वाले हैं। करोड़ का इसका तुरंत देखते ही नियुक्त कर दिया गया तो घटना उम्मीद है आपको सारी तरह से समझ में आ गई होगी कि कि किस प्रकार से यहां पर कानूनी संरक्षण हटाया गया क्या कुछ बातें थी वो सारी बातें मैंने आपको बता दी ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों इंपॉर्टेंट सवाल है और इस इंपॉर्टेंट सवाल के दो पक्ष हैं पहला पक्ष जब इस सवाल को सुने तो यह सोचकर चले चले कि क्या सरकार कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन कर रही है और क्या सरकार प्राइवेटाइजेशन के स्थान पर कुछ अच्छा कर रही है इन दोनों ही तथ्यों के आधार पर सुनिएगा अच्छा और प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन क्या बुरा होता है यह सब बातें आप लोग करेंगे आज सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है महत्वपूर्ण है और इससे बहुत सारे लोगों की भावनाएं जुड़ी होने वाली हैं क्यों हो रहा है आयुध निर्माण बोर्ड का पुनर्गठन क्या है इसका मतलब आइए मैं बताता हूं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के बारे में आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात कर रहे हैं कैबिनेट ने हाल ही में साथियों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड दैट इज ओ एफ बी हाल ही में ओ एफ बी का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान कर लिया है और इस रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर भारत में स्थित जो सैतालीस सैतालीस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं सैतालीस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को सात पीएसयूज में डीपीएसयू में बदलने का निर्णय ले लिया गया है तो सात डीपीएसयू में बदलने का जो यह निर्णय लिया गया है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे बोर्ड की स्थापना सत्रह सो पिचानवे पिछहत्तर में हुई थी अब इसी के बारे में आज, आज आप चर्चा करने वाले हैं तो ओ एफ बी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा यह कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पहले इसको समझिए क्या है इनकी मतलब सारी बातें बात थी वो बारह में बनाई गई थी और वो कोलकाता के अंदर बनाई गई थी वर्तमान में भारत के अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड तमाम प्रकार की जो, इस प्रकार के, जो मतलब रॉकेट के वो दागने वाली जो तोपे हैं इनका निर्माण है इसके अलावा साथियों ही बहुत सारे कार्यों में प्रति, मतलब अभी तक जुड़ा हुआ है और इसके पास में वर्तमान में तथ्यात्मक रूप से एक त्रुटि हुई है फोर्टी सेवन नहीं है साथियों फोर्टी वन है माफी चाहूंगा इस चीज को आप थोड़ा सा करेक्ट कर लें फैक्ट्री बोर्ड के पास में फोर्टी फैक्ट्रीज हैं जिन्हें सात बदलने का हम बताने का शुरुआत करते हैं आइए साथियों पूरी क्या है इसकी कहानी इसे समझने का प्रयास करते हैं इसकी पूरी एवीसीडी समझने का प्रयास करते हैं क्या है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड पहले वर्ड का मीनिंग समझते हैं ठीक है ना ध्यान से सुनिए साथियों सबसे पहली बात हाँ भाई अब देखो यार इतने बच्चे पढ़ रहे होते हैं वो वीडियो लाइक करने में कंजूसी करते हैं यार है ना मतलब आप सोचिए कि इतनी चीजें लाने में थोड़ी मेहनत लगती है यार यार उसको तो अप्रिशिएट किया करो ना यार? मतलब इस मेहनत को ही अप्रिशिएट कर दिया करो शेयर वेयर नहीं कर पाते हो पता है मुझे लेकिन लाइक तो बन सकता है ना यार मतलब इतने लोग बैठे हो खट से बस वीडियो के नीचे ही लाइक का ऑप्शन चल रहा है बस दबा दिया हो गया लाइक शेयर में तो फिर भी आपको दो चार लोग ढूंढने पड़ते होंगे मेहनत का काम है ना लेकिन लाइक कर सकते हो ठीक है अच्छा तो अब सुनिए साथियों क्या हो रहा है हम क्या बोल रहे हैं समझना इस बात को। साथियों भारत में वर्ष 2019 के अंदर सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल इसने एक समीक्षा रिपोर्ट जारी करी 2019 के अंदर सीएजी की रिपोर्ट में यह निकल करके आया कि भारत के अंदर जो आयुध निर्माण बोर्ड है जो क्या बनाता है गोला बारूद बनाता है शूट बनाता है सैनिकों के लिए आवश्यक जो मतलब एक प्रकार से बॉडी के ऊपर सुरक्षा करने के लिए जो बॉडी बॉडी शेप के लिए क्या लगाते हैं उनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स है उनका निर्माण करता है है ना छोटी राइफल्स का निर्माण करता है गन का निर्माण करता है छोटी तोपों का निर्माण करता है ऐसे भारत में कुल मिलाकर के इकतालीस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इन 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की उसने क्या की एक प्रकार से ऑडिट की किसने ऑडिट की कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज ने सीएजी ने ऑडिट की तो यह पाया साथियों कि यहां पर जो फंड सरकार के द्वारा दिया जाता है उसका 33 परसेंट उपयोग केवल सुपरविजन में खर्च हो जाता है अब इस बात को समझने का प्रयास करिए साथियों कई बार आप और हम बी के बारे में बैठ करके चिंता व्यक्त करते हैं और जब बी के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं तो हमारे नजरिए दो प्रकार के होते हैं नजरिया नंबर वन हम जब सुविधाएं यूज लेने की बात आती है तो खुद से जियो एयरटेल वोडाफोन इनका नेटवर्क यूज करते हैं और जब हम देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं तो बीएसएनएल के पक्ष में आकर खड़े हो जाते हैं यह सोच करके कि यार बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है सरकारी कंपनी को सरकार बेच क्यों रही है वो आप और हम ही हैं जिनके कारण सरकार इन कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन करती है लेकिन वर्तमान में OFD का का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड प्राइवेटाइजेशन नहीं हो रहा है वो तो अलग आस्पेक्ट है लेकिन इस एंगल को हल्का सा एक बार समझ लीजिए आप और हम जैसे मैं अभी आपकी क्लास जियो फाइबर से ले रहा हूं आप में से मैं यकीन कह सकता हूं कि नाइनटी लोग ऐसे हैं जो प्राइवेट नेटवर्क यूज करके प्राइवेट कंपनियों का नेटवर्क यूज करके मेरी क्लासेस देख रहे हैं लेकिन अगर मैं इन्हीं से बात पूछूं कि क्या बी को प्राइवेट कर दिया जाना चाहिए तो ये तुरंत मना कर देंगे नहीं नहीं सर क्यों मना कर क्यों बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सरकारी कंपनी है हां क्योंकि आपके दिमाग में प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ पूरी तरह से विचार बुलंद हैं और हो क्यों भी हो भी क्यों ना क्योंकि आपको लगता है कि सरकारी नौकरियां अच्छी होती हैं बिल्कुल सही लगता है आपको और सरकारी नौकरियां अच्छी होती हैं तो उसमें आपको यह भी पता है कि जिस लाइन मैन से आप लाइन सही करवाने के लिए लैंडलाइन की लाइन सही करवाने के लिए दस बार चक्कर काट चुके हैं वो लाइन मैन की जब तनख्वाह पूछते हैं तो आपका मन सिर पकड़ के खड़ा हो जाता है कि यार मैं अगर बारह घंटे भी रिलीजियसली मेहनत करूं तो शायद इतनी

फिर आप बी के और अधिकारियों से मिलते हैं मिलते हैं जीएम लेवल के एजीएम लेवल के लोग तनखा दो दो लाख ढाई ढाई लाख रुपए तनख्वाह और काम पूछा जाए कि सर ये नेटवर्क इस क्षेत्र में क्यों नहीं आ रहा तो बिल्कुल पूरी सरकारी व्यवस्था कभी भी कि भाई साहब नहीं लगेगा ये हमने अपना टैग लाइन बना लिया है अब आप पूछेंगे सर इस लाइन को बोल क्यों रहे हो आप हमारा दिल दिल दुख दुख रहा रहा है है भैया आपकी तरह मेरा भी दिल दुख रहा है। कि जब इतने काबिल लोग संस्थानों के पास हैं इतनी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं तो फिर क्यों नहीं बी को सरकारी सेवाओं के आधार पर नंबर वन बना देते इसमें सरकार क्या करेगी तुम्हारे पार्ट पर है सर्विस डिलीवरी कम से कम वो तो सही कर लो सरकार तुमको स्पेक्ट्रम नहीं दिलवा रही लेकिन जो है उसका तो सही से यूज कर लो यार एग्जैक्टली exactly इस कंपनी के साथ भी था क्या था कंपनियां थी भारत के पास में थी फैक्ट्रियों के पास में काम बहुत था इन्हें बम बोले बनाने हैं इनको मतलब पैराशूट बनाने सब चीजें बनानी है लेकिन 33 परसेंट इनको दिया गया धन केवल सुपरवाइजर्स की तनख्वाह में खर्च हो जा रहा है मान लीजिए कि एक लाख का बजट दिया गया तेतीस हजार तो केवल मतलब लोगों के द्वारा हाँ भाई तुम क्या कर रहे हो तुम मुझे रिपोर्ट करो मैं तुम्हें रिपोर्ट करूंगा रिपोर्टिंग रिपोर्ट में खर्च हो रहा है पैसा काम में कम और उस व्यवस्था में मैनेजमेंट में ज्यादा खर्च हो रहा है सीएजी की रिपोर्ट पहली नंबर यह बताई जब ये बात निकल करके आई सरकार के सामने बड़ा चैलेंज बना कि यार इन लोगों को कार्य करने के लिए मोटिवेट कैसे किया जाए धीरे धीरे चीजें बढ़ना शुरू हुई फिर क्या होता है साथियों पॉइंट नंबर टू आता है सीएजी ने रिपोर्ट नंबर दो में बताया कि सर जो सत प्रतिशत काम करने का इनको टारगेट दिया जाता है मतलब कि भाई तुमको ना मतलब इतने गोले बनाने हैं मान लो सौ गोले बनाने हैं तो सर ये एक साल में गोले ही बना पाते हैं फिर आपने पूछा कि यार उनचास गोले ही बना पाते हैं इक्यावन गोले नहीं बनाए तो क्या होगा बोले सर फिर आपको इक्यावन गोले बाहर से मंगवाने पड़ते हैं इंपोर्ट करने पड़ते हैं कुछ याद है बोले हाँ ये बात तो सही कह रहे हो तो बोले सर सिंपल सी बात सुनो आपने बोले सरकार ने फिर पूछा सीएजी से कि यार एक बात बताओ ये लोग 100 गोले बनाने का इनको टेंडर दिया गया उनचास गोले बना रहे इक्यावन गोले बनाई नहीं रहे तो इनको कैसे मोटिवेट किया जाए क्यों नहीं बना रहे ये तो पता है आप और हम के मन में जो सरकारी नौकरी में जाने का सबसे बड़ा कारण है मतलब ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं आप और हमारे मन में सबसे बड़ा कारण यही होता है यार वहां पर ना सिक्योरिटी बहुत बढ़िया है किस बात की कोई नौकरी से निकालता नहीं है भाई हमारा यही एटीट्यूड है जो सरकारी संस्थाओं को बिकने पर मजबूत कर रहा है मजबूर कर रहा है लेकिन बेचने से पहले का भी एक रूट है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे सरकार बेच कुछ भी नहीं रही है पहले उस बात को समझिए फिर बोले कुछ भी कर लो कुछ होगा नहीं नौकरी थोड़ी छूटेगी यार सरकारी नौकरी में जा बोले अच्छा तो बोले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने उनचास गोले बनाए इक्यावन नहीं बनाए तो क्या कीजिएगा बोले काम करो उनसे कहो सीएजी ने कहा कि अब यह तुम्हारी जवाबदेही है कि तुम सौ गोले बनाओगे क्योंकि तुम्हारे पास पैसा सौ गोले बनाने का दिया है ही बना रहे हो इक्यावन कहा है भाई तो तुम अभी तक जिम्मेदार नहीं ठहराए जाते थे अब तुम्हारे ऊपर अकाउंटेबिलिटी लाई जा रही है तो ध्यान से समझना साथियों कि कंपनियों के ऊपर सरकारी कामों को अगर सही से करवाना है तो सबसे पहला कार्य है कि उन्हें अकाउंटेबल बनाया जाए आपके मन में आएगा वाह यह विचार क्या पहली बार आया है जवाब देह बना दो अगर नहीं बनाया तो अगर नहीं किया तो उसने तो भैया निकाल दो बोले अच्छा मतलब इसके साथ में पनिशमेंट भी होगा बोले हां बोले सर आपको एक बात बताएं आप में से कई लोग होंगे जो इस समय सरकार के अंदर काम कर रहे होंगे सरकारी नौकरी में होंगे उनकी जो सबसे बड़ी पीड़ा है वो वो भी पीड़ा बता देता हूं मेरी जैसी पीड़ा उनकी भी है बोले सर मैं तो बहुत टैलेंटेड आदमी हूं मैं इतना टैलेंटेड आदमी हूं कि वो जो बैठ करके टेबल पर बाबू काम कर रहे हैं दस घंटे लगाएंगे वो काम मैं एक घंटे में कर सकता हूं लेकिन सर क्या मुझे किसी भी प्रकार से इंसेंटिवाइज थोड़ी किया जाएगा तनख्वाह उसको भी इतनी ही मिलनी है मुझको भी इतनी ही मिलनी है तो फिर मैं क्यों करूं यार बात तो तुम्हारी भी सही है। देखिए सरकारी ही नहीं है मान लीजिए आप काम नहीं कर पाए कोई बात नहीं सर अगली बार हो जाएगा आपको एक सो कॉज नोटिस दिया जाएगा कि क्यों नहीं हो पाया रिजल्ट क्यों बिगड़ गया सर सॉरी अगली बार से ध्यान रखेंगे नौकरी से निकाल नहीं सकते बेटा क्योंकि पेपर दे आए हैं अच्छा फिर बोले सर अगर मैंने मान लीजिए काम कर भी दिया तो मुझे प्रशंसा के नाम पर क्या मिलता है मतलब सब लोगों के सामने तालियां बजा दी जाएंगी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और एक इतनी सी शील्ड ले दी जाएगी कि उसको बेच करके भी पैसे ना निकले हमको क्या लेना देना इस चीज का सर हम नहीं कर रहे हमको कोई इंसेंटिवाइज ही नहीं करता है अच्छा तो सरकार ने कहा सीएजी ने कहा कि देखो सबसे पहले इन लोगों को अकाउंटेबल बनाओ बोले अकाउंटेबल बनाओ का मतलब क्या हुआ जवाबदेही तय करो कि इतना काम तुम्हें करना है बोल, फिर बोले सर ये नहीं किए तो बोले नौकरी से निकाल देना बोले अच्छा 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 तो नौकरी से निकाल सकते हैं बोले हाँ इस बात को सुनते ही जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कर्मचारी थे वो एकदम नाराज हो गए कि ये क्या है हमारी नौकरियां चली जाएंगी हम तो प्राइवेटाइज हो जाएंगे नहीं भाई आपको दो साल की तो सिक्योरिटी इसमें भी दी गई है कि आपको दो साल तक तो कोई छेड़ेगा भी नहीं लेकिन काम तो करवाया जाएगा ना साहब अच्छा दूसरा अब अगर सर मैंने कर भी दिया अब मान लीजिए कि कोई बाबूजी हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं और मैं एक घंटे में कर रहा हूं फिर अब ये पॉइंट सही पकड़ा तो अगर आपने काम कर दिया तो आपको इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा बोले अच्छा तो सर ये तो बिल्कुल प्राइवेट नौकरी जैसा हो गया प्राइवेट नौकरी जैसा हो गया नौकरी नहीं हुई दोबारा सुनिएगा प्राइवेट नौकरी प्राइवेटाइजेशन के अंदर जो सबसे बड़ी चीज होती है वो क्या होती है आज मैं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूं प्राइवेट कंपनी में काम के प्रति मेरी जवाबदेही है जवाबदेही होने के साथ में अगर कुछ अच्छा करता हूं तो इसके साथ इंसेंटिवाइज किया जाता है कि आपने इतना अच्छा कार्य किया इसके लिए आपको इतना धन और दिया जाता है तो मेरा मोटिवेशन बरकरार रहता है और मैं अपना कार्य बहुत अच्छे से करता हूं तो प्राइवेटाइजेशन जो शब्द है इसमें ये दो चीजें बहुत अच्छे से आती हैं आप पूछेंगे सर इसका मतलब आप तो निजीकरण का समर्थन कर रहे हैं मैंने कहा गुरु ये कंपनी का निजीकरण हो ही नहीं रहा है मैं तो आपको यह बता रहा हूं कि अब क्या होने जा रहा है अब आप उसको समझिए तो प्राइवेट कंपनियों का सबसे अच्छा पार्ट क्या होता है पार्ट यह होता है कि वो अकाउंटेबिलिटी तय करती हैं और दूसरा वो आप लोगों को इंसेंटिवाइज करती हैं धन देकर के बोले ठीक है सर लेकिन सर आपको पता है अगर मान लीजिए कि यह कि किसी प्राइवेट आदमी को बेच दिया गया तो फिर तो वो हमें क्यों रखेगा हमारी तो मोटी मोटी तनख्वाहें होती हैं फिर हमें वो नौकरी से निकाल देगा तो फिर तो वो सस्ते सस्ते लोग ले आएगा आप ही ने कहा ना कि लाइनमैन एक लाख रुपए का मिल रहा है तो वो दस हजार रुपए का लाएगा बहुत सही बात है इसका मतलब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी एक लाख सैलरी क्यों दी जाए तो उसी हिसाब से काम करिए क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी किसी एम्प्लॉय को तनखा अब भाई सत्यानाडेला हुआ या फिर ये अपना सुंदर पिचाई हुआ इनकी करोड़ों रुपए में तनखा है मतलब इतनी करोड़ जितनी कंपनियों के प्रॉफिट नहीं होते इतनी तनखा है इनकी ढाई सौ ढाई सौ करोड़ तनखा है।, है तो इनकी तनखा है तो ये प्रूव कर रहे हैं है? कि हां हम वर्थ रखते हैं हमने कंपनी को इतना प्रॉफिट करवाया अपनी वजह से तो तनखा पाओ ये तनखा तुम इतनी ही क्यों सोच रहे हो कि लाख रुपए मिलेगी हो सकता है एक लाइन मैन ने साल भर में शहर की सारी लाइनें दुरुस्त कर दी तो भाई साहब लाइन मैन ऑफ द सिटी हो गया वो हो सकता है पांच लाख रुपए तनखा हो जाए बोले हाँ ये तो पॉइंट सही है यानी दोनों ही पक्ष इसमें निकल करके आए फिर बोलिए तो सर क्या सरकार प्राइवेटाइज कर रही है क्या ईमानदारी से बताओ ना हो क्या रहा है नहीं भाई सरकार इसे पब्लिक सेक्टर में अंडरटेकिंग के अंदर कन्वर्ट कर रही है अब बोले ये क्या होता है पीएसयू क्या होता है अभी बताते हैं मेरे प्यारे साथियों आज जिन कंपनीज को आप देखते हैं जिसका नाम है एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ये एक पी एस यू है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है आप जिस कंपनी को आज ओ एन जी सी के नाम से जानते हैं वो एक पी एस यू है आप जिस कंपनी को भेल के नाम से गेल के नाम से जितनी भी महारत्न कंपनियां आप जानते हैं वो सब सरकारी कंपनियां हैं लेकिन उनके पास में एक स्पेशल प्रकार का अलग से एडवांटेज उनको दिया हुआ है क्या एडवांटेज दिया हुआ है कि तुम्हारी जो सरकारी सुरक्षा है सरकार के अधीन हो तुम सरकार को ही कमा कमा के दोगे लेकिन तुम्हारे अंदर एक टैलेंट ऐड कर दिया जा रहा है जो सबके लिए नहीं है और वो क्या है तुम्हारी जवाबदेही तय करना और जवाबदेही तय कर करके तुम्हारे को इंसेंटिवाइज करना और अगर तुम्हारी तनख्वाह तुम जस्टिफाई नहीं किए तो आउट कर देना यह सारा कार्य करना जो है वो सारा कार्य आज से नहीं हो रहा है साथियों भारत में जितनी भी महारत्न नवरत्न और मिनी रत्न कंपनियां आप देखते हैं वो सारी इसी प्रक्रिया के तहत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में बदली गई थी तो भारत सरकार के पास में जितना पैसा आप देख रहे हो ना कि ओएनजीसी इतना अरबों रुपया कमा के सरकार को दे दी गेल इतना कमाके भेल इतना एनटीपीसी ये सब सरकारी कंपनियां हैं लेकिन इनमें प्राइवेट नौकरी की तरह मैनेजमेंट होता है तो बोले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में क्या होने जा रहा है तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर मैनेजमेंट की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल प्राइवेटाइजेशन की तरह होने जा रही है जहां जवाबदेही होगी जहां पर इंसेंटिवाइज किया जाएगा जहां पर कार्यों को इस प्रकार से डाइवर्सिफाई किया जाएगा कि टैलेंट है तो यूज करिए आपको टारगेट्स दिए जाएंगे मैच करने पर आपको उपलब्धियां दी जाएंगी ऐसी स्थिति में आपको सामाजिक सुरक्षा बढ़ेगी और ऐसा करने के लिए इन 41 फैक्ट्रियों को सात फैक्ट्रियों में बदल दिया गया है उनको ग्रुप बना दिया कि तुम इस काम को करोगे तुम इस काम को करोगे फिर आप पूछेंगे सर तो सरकार क्या प्राइवेटाइज नहीं करेगी तो आपके दिमाग में यह सवाल हो सकता है लेकिन याद रखिएगा कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग तब तक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जब तक उसके 51 शेयर सरकार के पास हैं हैं और एक बात बताता हूं जिस प्रकार से आज आप सुनते हैं कि भाई आ, सरकार ने रेलवे का इस व्यक्ति को चेयरमैन बना दिया या सरकार ने उस कंपनी का इस कंपनी इस व्यक्ति को चेयरमैन बना दिया इन पीएसयूज के अंदर चेयरमैन बनाने के लिए भी उन लोगों से जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनसे राय ली जाती है उन्हें भी मैनेजमेंट बोर्ड में बिठाया जाता है तरक्की बिल्कुल अलग लेवल पर होती है ऐसा नहीं है कि 9 18 27 के 9 साल में तुम सेकंड ग्रेड में जाओगे 18 साल में फर्स्ट ग्रेड में जाओगे ऐसा नहीं अच्छा कर रहे हो ग्रेड पे चेंज करो इस व्यक्ति की हो सकता है ग्रेड पे लेवल वन पर आया था वो प्रमोट होते होते ऊपर वाले लेवलों पर निकल गया तो यह सारा कार्य कहां पर होगा पीएसयूज़ में होगा तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है तो फिर आप सवाल पूछेंगे नहीं सर हमने मीडिया हाउसेज में पढ़ा है कि इसमें प्राइवेटाइजेशन का इनपुट है इनपुट क्या है अब मैं वो भी बता देता हूं साथियों अब क्या होता है सरकार जिन कंपनीज को बहुत प्रॉफिटेबल देख लेती है जैसे मान लीजिए कि, कि किसी भी तरह से देख लिया कि एनटीपीसी बहुत अच्छा कर रही है तो एनटीपीसी ने बहुत पैसा कमा लिया अब सरकार को लगता है कि धीरे धीरे अब इसके अंदर से जो 100 प्रतिशत मेरी भागीदारी है इसको कम किया जाए और कम करके और पैसे कमाए जाए कैसे कमाए जा सकते हैं सौ भागीदारी में से सरकार अपना दस हिस्सा किसी प्राइवेट पार्टनर को बेच दी किसी को भी बेच दी आज आप जिस तरह से अडानी सुन रहे हैं, once upon a time टाटा और बिडला का नाम हुआ करता था उस समय टाटा और बिड़ला की भागीदारी हुआ करती थी आज अंबानी अडानी बड़े हो रहे हैं पहले कभी टाटा और बिड़ला बड़े हुए थे यह समय होता है सब युवाओं का समय होता है तो पॉलिटिक्स इनमें भी युवा है किसी भी कंपनी को आपने अपनी हिस्सेदारी बेच दी उससे सरकार के पास पैसा आया पैसा आया तो इस प्रक्रिया के माध्यम से और विकास कार्य किए गए वो जो हिस्सेदारी बेची जाती है उसका मकसद ये होता है कि मैनेजमेंट जो है वो तो प्राइवेट कंपनी चलाएगी और नौकरी सरकारी कहलाएगी ऐसी स्थितियां सबसे सुलभ स... तरीके कहलाते हैं इससे कंपनियों को और देश को निरंतर फायदा होता है ये तथ्य आपको समझना चाहिए और भारत की महारत्न कंपनियां जो हैं वो इसकी परिचायक हैं वो सब इसी प्रकार से कॉर्पोरेट में बदली हुई कंपनियां हैं, ठीक है ना? उम्मीद है सभी साथियों को ये बात समझ में आ गई, गई थी वेस्ट बंगाल है सत्रह सो बारह के अंदर इसका निर्माण किया गया था ऐसी भारत का अपना धनुष जो है बनाया गया है मतलब भारत के अंदर जितने भी ये छोटी छोटी तोपे हैं ये हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा ही बनाई जाती है धनुष का निर्माण

भाई ग्रीन गोल्स हैं हमारे ग्रीन गोल्स क्या हैं भाई भारत सरकार ने एक विजन लिया क्या विजन लिया कि 2022 तक 175 गीगावाट हम रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करेंगे कितना हम लोगों ने एनर्जी के अंदर एक कार्य रखा और क्या रखा कि हम 2022 तक 175 गीगावाट बिजली पैदा करेंगे कुछ याद है इस 175 गीगावाट के अंदर हंड्रेड गीगा हमने बोला कि हम सोलर एनर्जी रखेंगे और साठ ईगा हमने रखा कि हम विंड एनर्जी रखेंगे डन है ये दो बातें हमने इसके अंदर बोली दस हाइड्रो और बायोमास है बाकी पांच ठीक है अच्छा लेकिन आपको मालूम है कि सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी दोनों को लगाने के लिए जमीन की आवश्यकता होती है भाई सोलर पैनल लगाओगे कहा जमीन पर भारत सरकार को यह जमीन कहां मिली धार के मरुस्थल में जो हमारे राजस्थान के अंदर डेजर्ट है उस डेजर्ट में बैरन लैंड बैरन लैंड का मतलब वो निर्जन भूमि जिसके ऊपर कृषि नहीं होती डेजर्ट है उसके ऊपर क्या लगा दिए गए सोलर पैनल लगा दिए गए और विंड टर्बाइन लगा दिए गए जिससे बिजली पैदा हो सके अच्छा अब साथियों शायद आप लोग इस बात को पढ़ते तो हैं, लेकिन फील नहीं करते और वो क्या है कि जब बिजली पैदा होती है मान लीजिएगा कि यहां पर बिजली पैदा हो रही है तो भाई बिजली जहां पैदा हो रही है वहां पैदा होने के बाद में उसको यूज करने के लिए भी तो जरूरत होगी मान लीजिए बाड़मेर में बिजली पैदा हो रही है अलवर से साढ़े चार सौ किलोमीटर दूर है अब यहां तक बिजली पहुंचानी है तो तार भी तो लगाने पड़ेंगे ना तो तार लगाने पड़े तो तारों का यहां पर एक मकड़ जाल बन गया किसका जाल बन गया तार हाई वोल्टेज वायर्स क्योंकि बिजली बन रही है तो बिजली बन रही है रन ऑफ कच्छ में राजस्थान के थार डेजर्ट में सोलर पैनल से तो उस तार उस बिजली को लाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी वायर्स की आवश्यकता होगी और वो वायर्स भाई पोल पर ही आते हैं आपने देखे होंगे बहुत बार वो रावण जैसा एक वायर खड़ा होता है बिल्कुल इस तरह से बना हुआ बिल्कुल बिज का सा बहुत बड़ा सा वो, वो देखा होगा आप लोगों ने एक पैनल से खड़ा होता है ना हाई वोल्टेज पावर लाइन जिसमें से जारी होती है तार खिंचे होते हैं उसके ऊपर देखा होगा तो उसके माध्यम से बिजली इधर से उधर जाएगी ठीक बात है तो मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के विशेष रूप से वेस्टर्न राजस्थान इस समय देश के लिए बहुत कुछ लाभदायक हो रहा है जैसे हमारे यहां तो बिजली की राजस्थान है, तो इन दिनों बहुत फ्लरिश कर रहा है ना मतलब बहुत सारा तरीके से सरकार को मदद कर रहा है ऐसी स्थिति में उपयोग किया जाना तय है अब वायर का उपयोग किया जाना अगर तय है तो फिर बड़ा सवाल बनता है कि सर वायर से दिक्कत किसको है साथियों हमारे राजस्थान ने जितना ऊर्जा पूरे भारतवर्ष को दी उसका नुकसान भी भारत ने राजस्थान ने अपने एक पक्षी को खोकर चुकाया वो पक्षी कौन सा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड साथियों हाल ही में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है उसने एक रिपोर्ट जारी करी उसने बताया कि भारत में वर्ष 2018 में कुल 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड थे जिन्हें गोडावन पक्षी के नाम से जाना जाता है यह गोडावन पक्षी हाल ही में चार गोंडावन पक्षी उसमें से और मर गए यह चार गोडावन पक्षी जो मरे आप पूछेंगे सर बहुत बड़ी बात है क्या यह मरना साहब राजस्थान का वो स्टेट बर्ड है स्टेट बर्ड वो मर गया और स्टेट बर्ड के मरने के पीछे का जो कारण है वो हाई वोल्टेज वायर है आप पूछेंगे सर हाई वोल्टेज वायर से वो कैसे मर गया भाई वो पक्षी उड़ता है दुनिया के सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों में उसका नाम है तो यह है वो गोंडावन जब उड़ता है तो इसके उड़ने का जो फ्लैग है ये कम से कम मेरे प्यारे साथियों दो मीटर तक चौड़ा हो जाता है एक यूनिक शेरपाल करके व्यक्ति हैं, ये सबके सब बच्चे पागल हैं करके लिख रहे हैं आ भाई अगर कोई देख रहा हो इनको टेक्निकल टीम अगर भैया उपस्थित हो मतलब सेशन के दौरान सो नहीं गए हो तो इनका भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर दो यूनिक शेरपाल को थोड़ा सा इज्जत दे दो है ना मतलब सोए नहीं हो अगर पढ़ते पढ़ते हाँ भाई टेक्निकल टीम अगर हो सकता है तो थोड़ा सा भैया इनका भी इलाज कर दीजिए अगर आप उपस्थित हो तो है ना जब तो उम्मीद है कि आप यहां पर मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं तो हुआ क्या साथियों इस बात को मैं आपको बताना चाहूंगा और वो क्या है कि यहां पर ये जो पक्षी है कौन सा पक्षी ये जो पक्षी आप देख रहे हैं इस पक्षी के बारे में आपने क्या नोटिस किया कि ये जो पक्षी है उड़ते समय साथियों क्या करता है कि दो मीटर तक इसका स्पैन इस चौड़ा हो जाता है हाँ भाई जग ठीक हाँ। है ना हाँ हाँ जी शेरपाल का पागलपन ठीक कर दिया गया है ठीक है तो अब क्या हुआ कि ये जो पक्षी है जब उड़ता है तो दो मीटर तक चौड़ा हो जाता है तो उड़ते समय बैठता है तो ये सीधा बैठता है देखिए ये बैठता है तो सीधा बैठता है और जब उड़ते हुए चौड़ा होता है तो दो मीटर तक वृद्धि हो जाती है मतलब इसके उड़ने पर इसकी जो पंखों की चौड़ाई है दो मीटर तक बढ़ जाती है और बढ़ने से इसका अर्थ वायर जो है वो फेज के वायर से टच हो जाता है और यह पक्षी टकरा करके जल जाता है और टकरा करके जल जाता

ये जब उड़ता है तो इसकी जैसे गिद्ध उड़ता है ना गिद्ध अगर आपने उड़ता देखा हो चील उड़ती देखी हो गिद्ध उड़ती देखी हो तो वो जमीन पर अपना वो तलाशते हैं कि भाई कहां पर मेरा भोजन रखा है खाने के लिए तलाशते हैं ये जनाब उड़ करके जब तलाशने लगते हैं तो नजदीक का इनकी जो है ना ना नियर साइट व्यू जो है इनका है 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 इनका खराब खराब और दूर दूर की आई अच्छी है, जैसे मेरी है, ना, मेरे साथ क्या का का मुझे नहीं दिखता नजदीक ऐसे ही इनके साथ भी मैं भी बिल्कुल गोंडावन हो रखा हूं है ना तो इनका भी नजदीक का खराब है और दूर का इनको दिखता है तो यह क्या होता है कि तार के आसपास जब उड़ रहे होते हैं तो तार तो दिखते नहीं है और जमीन दिख रही होती है और वहीं पर इनके पंखों में फुर्र हो जाती है और ये वही निकल लेते हैं चार गुंडावन मर गए और साथियों यहां पर थार डेजर्ट नेशनल पार्क में ये पाया जाता है और इसकी संख्या में लगातार गिरावट हो रही है ठीक है ना ये पक्षी अलग अलग जगह पर जैसे मतलब पाकिस्तान में ये बहुत पाया जाता है तो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है हाई वोल्टेज पावर लाइन के कारण मर रहा है इस प्रकार से आपने पक्षियों को तार पर बैठा देखा होगा पक्षी तार पर बैठने से मरता नहीं है लेकिन अगर इसका पंख जो है दूसरे तार से कनेक्ट कर जाए तो मर जाएगा क्योंकि वो अर्थ वायर है भाई मरने के पीछे का कारण क्या होता है बॉडी में से करंट पास हो जाए अकेले पक्षी तार पर अगर बैठे तो नहीं मरता है दोनों वायर पर टच हो जाए तो मरता है और इसका स्पेन इस इतना चौड़ा है कि टच हो ही जाता है अच्छा सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा क्योंकि यह मामला बहुत बड़ा पर्यावरण विदो के द्वारा उठाया गया कि यार यह पक्षी मर रहा है और इसको बनाने के लिए थार डेजर्ट के अंदर नेशनल पार्क बनाया गया है इस पक्षी को बचाया कैसे जाए इसके कारण सुप्रीम कोर्ट में मामला गया सुप्रीम कोर्ट ने दो के दिसंबर में फैसला दिया और क्या कहा भाई बात ऐसी है कि अब इस पक्षी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंडरग्राउंड केबलिंग ऑफ ट्रांसमिशन वायर बिछा दीजिए सरकार ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पक्षी को कैसे बचाया जाए तो लास्ट ईयर फरवरी के अंदर इन्होंने फैसला दिया दिसंबर में एनजीटी ने भी इनके अकॉर्डिंग रूलिंग दे दी और क्या कहा कि एक काम करो इस पक्षी को बचाना है तो इस पक्षी को बचाने के लिए जो केबल लाइंस वहां जा रही हैं उन्हें अंडरग्राउंड बिछा दिया जाए ये बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे ना एक जार की क्रांति बहुत फेमस है कहते हैं कि एक बार विदेशी जार की क्रांति है उसमें कहते हैं कि एक राजा था जिसके समय पर मतलब विरोध यह हो रहा था कि साहब देश में बहुत ज्यादा भुखमरी फैल गई है लोगों को खाने के लिए रोटी नहीं है तो वो कहता है कि रोटी कौन खाता है केक खा लो वाह बहुत लॉजिकल पॉइंट दिया था है ना? एक राजा थे उनके द्वारा मतलब रूसी क्रांति के अंदर ये बात पढ़ाई जाती है। बोले रोटी कौन खाता है रोटी, रोटी exactly, मतलब एकदम दिमाग भन्ना गया कि क्या मैं, कहना क्या चाहते हो वही वाली बात सुप्रीम कोर्ट ने कर दी क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है अगर पक्षी मरता है एक काम करो वो जो 80 किलोमीटर क्षेत्र है वहां के सारे तारों को अंडरग्राउंड डाल दो बहुत बढ़िया साहब दिमाग तो आपने बहुत ज्यादा लगाया कमरे में बैठ करके लेकिन साहब जानकारी के लिए बता दें कंपनियों ने खर्चा निकाल के दे दिया सुप्रीम कोर्ट को कि जनाब चार बिलियन डॉलर का खर्चा है फोर बिलियन डॉलर का खर्चा है यदि तार अंडरग्राउंड हम डाल देना तो अंडरग्राउंड तार केवल डलने के लिए नहीं होते खुदना भी होता है वो वाली इंसुलेशन भी लाना होता है फिर जमीन पर चिपक चिपक करके जो लोग बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह फुदकेंगे उनका भी इलाज करना होता है फिर इंसान भी बचाने हैं जो लोग रह रहे हैं वो भी बचाने हैं चार बिलियन डॉलर का खर्चा है तो ये बात बीच में ही अटकी हुई है इस बीच में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बता दिया चार मर गए चार कितने बक्शीद है बोले सांभा चार थे बोले चार मर गए कोई बात नहीं चार बिलियन डॉलर कीमती है समझे तो उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी फिर से यह चर्चा में आया है तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कारण फिर से सुर्खियों में है इन चार का मरना अवॉइड किया जाएगा मुझे लगता है ठीक है है भाई साहब के अंदर इसकी स्थापना हुई थी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है इसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को बचाते समय ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं तो साथियों आगे चलते हैं पर्यावरण को लॉस होता है इसे कोलेट्रल डैमेज कह सकते हैं आप लेकिन पर्यावरण को होने वाला नुकसान महत्वपूर्ण है अब आप देखो भाई कैसे बचा सकते हो आप में से कई कलाकार कहीं गुरुजी आपके यहाँ तो हाई वोल्टेज लाइट नहीं होगी अपने यहाँ ले आओ अलवर में ले आओ इनको भाई ले तो आऊ पर चक्कर क्या है कि ये रहता भी डेजर्ट में ही है तो कहता रहा कम दिमाग है इसमें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले सवाल में अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्या है डब्ल्यू द्वारा कोरोना वायरस के बी वन को डेल्टा वेरियंट के रूप में नामित किया गया है और अब और अधिक उत्परिवर्तित हो गया है इसे क्या नाम दिया गया है तो साथियों हाल ही में यह जो नया उत्परिवर्तन हुआ है म्यूटेंट हुआ है 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 इसको डेल्टा डेल्टा के अंदर डेल्टा नाम दिया गया हमारा स्विचर क्यों नहीं चल रहा ठीक है साथियों तो अभी हुआ क्या है कि इसके अंदर बी वन जो लीनिएज है इसमें परिवर्तन हो गया है और इस परिवर्तन के कारण साथियों इस वेरियंट में डब्ल्यू के द्वारा जो परिवर्तन नोटिस किए गए हैं उन परिवर्तनों के आधार पर इस वेरिएंट में वर्तमान में कुछ चीजें जो पाई गई हैं वो क्या हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर भारत में भी इसके केसेस पाए जाने शुरू हो गए हैं और केसेस पाए जाने के केस में भारत में साथियों ये जो नया वेरिएंट आया है इसे ए वाई वन नाम दिया गया है और ए वाई वन जो नाम दिया गया है अरे भाई ये उड़ता बहुत है ए वाई वन जो है साथियों इसको नाम दिया गया है और ये ए वाई वन जो नया उत्परिवर्तन चलोगे जी इसके, इसके सात जून तक भारत में छह केस आ चुके हैं दुनिया के अंदर इसकी वजह से केसेस के अंदर संख्या बढ़ रही है डेल्टा वायरस के अंदर जो है फेटेलिटी अभी रिसेंटली जो आपने देखा था कोरोना वायरस के अंदर जो म्यूटेशन हुआ था इसके बारे में कहा गया था कि जो वर्तमान में डेल्टा वेरिएंट आया है इसने जो लगभग 30 परसेंट जो इस बार के केसेस थे उसमें डेल्टा वेरिएंट जिम्मेदार था और जो नया वायरस आया है उसको नाम दिया गया है डेल्टा ए वाई वन है ना इसमें डेल्टा विद के फोर वन सेवन एन इसे नाम दिया गया है इसे आप याद रख सकते हैं तो ए वाई वन नामक एक नया वेरिएंट वर्तमान में खोजा गया है डेल्टा प्लस रिपोर्ट सात जून तक छह केसेस किए गए हैं इंडिया में और यूरोप एशिया और अमेरिका के अंदर सत्तावन केसेस रिपोर्ट किए गए हैं वर्ल्ड के अंदर कोविड रिपोर्टिंग्स के अंदर आप ये सारी बातें सुन रहे हैं भारत का सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने भी इसकी पुष्टि कर दी है और आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में दुनिया दुनिया भर के 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 अंदर म्यूटेशन के केसेस के कारण चिंता बनी हुई है कि क्या दुनिया के अंदर कोई ऐसी दवा बचेगी जो इनका इलाज कर पाएगी क्योंकि म्यूटेशन इसका लगातार जारी है सवाल बनता है हाल ही में जारी सतत विकास रिपोर्ट में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान दिया गया है तो साथियों फिनलैंड जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर टॉप कर गया है साथियों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कुल मिलाकर सत्रह है इसमें फिनलैंड के अंदर सत्रह मतलब रैंक वन प्राप्त किया गया है ये गोल आपके सामने है। इंडिया इसके अंदर स्थान प्राप्त किया है एक देशों के अंदर भारत ने एक सौ किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर फिनलैंड नंबर वन पर रहा है और फिनलैंड ने जो कि एक ओईसीडी मेंबर है यहां पर 165 में से एक पहला स्थान प्राप्त किया है यह टॉप टेन कंट्रीज है फिनलैंड स्वीडन डेनमार्क जर्मनी बेल्जियम Austria, Norway. ये नंबर वन मतलब टॉप टेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं तो आपको मैंने बता दिया टोटल सत्रह गोल हैं 2015 से 2030 के बीच में प्राप्त करने थे वुडसेट लॉन्च करेगा लॉन्च करेगा न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड का सैटेलाइट लॉन्च करेगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी याद रखिएगा न्यूजीलैंड के द्वारा लकड़ी का उपग्रह बनाकर लॉन्च किया जाएगा आप पूछ पूछेंगे लकड़ी की काठी सुनी थी गुरुजी ये क्या हो रहा है वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट टू बी लॉन्च फ्रॉम न्यूजीलैंड ऐसा क्यों कहा जा रहा है कितनी दूर भेजा जाएगा क्या ये जल नहीं जाएगा साथियों आंसर है दुनिया में इस समय एक बहुत बड़ी चिंता सता रही है और वो चिंता किस बात की है चिंता इस बात की है कि भाई जो दुनिया के सैटेलाइट्स छोड़े जा रहे हैं सैटेलाइट्स में जो सबसे ज्यादा सैटेलाइट छोड़ रहे हैं वो अंतरिक्ष में ही रह जाते हैं अंतरिक्ष के अंदर कचरा बढ़ रहा है अंतरिक्ष के कचरे को डेब्रिस कहा जाता है और उस डेब्रिस के बढ़ जाने के कारण उस डेब्रिस के बढ़ जाने के कारण सैटेलाइट्स खराब हो रहे हैं और मतलब से बचने के लिए एक विकल्प दिया गया है कि लकड़ी के सैटेलाइट भेजिए अगर भविष्य में वो कभी खराब भी करने हुए तो उन्हें वहीं जला दिया जाएगा इस क्रम में न्यूजीलैंड ने कहा है कि वो अपने द्वारा लकड़ी का सैटेलाइट भेजेगा और ये सैटेलाइट इसके लिए कौन भेजने वाला है तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कहा है कि हम आपका लकड़ी का सैटेलाइट भेज देंगे ठीक है ना ये धरती से 500 किलोमीटर ऊंचाई के ऊपर भेजा जाएगा

भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 100 मिलियन का विस्तारित लोन दिया है तो साथियों ये है श्रीलंका हुआ क्या है साथियों लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका वालों ने देखो कितना इज्जत से कहा है आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा हम लोगों ने लोन दिया है हंड्रेड मिलियन डॉलर का किस काम के लिए दिया है सोलर पैनल लगाने के लिए अब सोलर पैनल लगाने के लिए लोन दिया है कहते तो वैसे ही है कि हाँ भाई सोलर पैनल दिया है लेकिन हमारे इस लोन को श्रीलंका ने कैसे किया है लिखा है अब आप वो सुनिए ये श्रीलंका के सरकार के मंत्री हैं जो इस लोन को अधिग्रहित कर रहे हैं कि सर थैंक यू सो मच डॉलरों की बरसात हो रही है और इस बरसात में जरा आप इधर देखिए इंडिया इन श्रीलंका एक इंडिया एंड श्रीलंका ग्लोरियस न्यू चैप्टर इन मल्टी पार्टनरशिप जिसमें यह कहा गया है कि लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है दोनों में अंतर है साथियों लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब है जितना यूज कर सकते हो कर लो उस पर ब्याज दे देना और नहीं यूज करना है तो वो पैसा आपके अकाउंट में पड़ा रहेगा यानी इज्जतदार तरीके से बोला गया श्रीलंका इस समय बहुत ही बुरी स्थिति में चल रहा है उसे बहुत सारे देशों से लोन लेने की आवश्यकता पड़ रही है रिसेंटली आप लोगों ने बांग्लादेश के द्वारा भी लोन दिए जाने की घटना सुनी थी आज इंडिया इसे सोल पैनल लगाने के नाम पर लोन दे रहा है क्योंकि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है पैसा चुकाने के लिए पैसा नहीं है अदरवाइज इसने पैसा नहीं चुकाया तो चाइना इसके बहुत सारे स्थानों को कब्जा कर लेगा एक्सिम बैंक बैंक जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक इंडिया जो है उसके द्वारा यह लोन दिया गया है बयासी में यह बैंक स्थापित की गई थी ठीक है इसी के साथ ही एक इंफॉर्मेटिव सवाल और है हर साल अंतरराष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया जाता है तो 15 जून को मेरे प्यारे साथियों 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस बनाया जाता है जिसमें दुनिया भर के लोग जो दुनिया भर में पैसा

बिलियन डॉलर जो है वो रेमिटेंसेस से प्राप्त किया था इस बार हमने 80 बिलियन प्राप्त किया है यानी कि हमारे पास ज़्यादा लॉस का नहीं हुआ है इंफॉर्मेशन में एक महत्वपूर्ण तो इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा और वो ये है कि आज आपकी दस बजे क्लास नहीं है दस बजे की स्पेशल क्लास नहीं होगी मैं पहले ही सूचित कर रहा हूं ठीक है कृपया करके परेशान ना हो ठीक है हाँ जी इसके अलावा मैं आपको और जानकारियों में देना चाहूंगा साथियों मेरा रेफरल कोड है अंकित टेन ये तो आप सबको पता है चौदह जून जो है विश्व रक्तदाता दिवस और बीस जून विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है साथियों बात की जाए अब हमारे कोर्सेज की तो अनअकेडमी पर मेरे कोर्सेज पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं एसएससी में नया बैच आ रहा है जिसमें मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा यदि आप डिफेंस की स्टेट पी की किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं यूपीएससी कैटेगरी में अनअकेडमी के द्वारा एक नया प्रयास शुरू किया गया है प्रयास ये है कि टॉप फाइव ऐसे एडुकेटर्स जो खुद या तो यूपीएससी के अंदर क्वालिफाइड है या आई ए एस हैं है ना जो पद पर है उनके नेतृत्व में आपके लिए एक बैच लॉन्च किया जा रहा है उस बैच के लिए यह चीज ध्यान रखना मतलब टॉप मतलब फाइव एडुकेटर्स रखे गए हैं सौ बच्चे उसके अंदर सेलेक्ट किए जाने हैं सौ बच्चे सेलेक्ट करने पर अगर वो सौ बच्चे पहले सेट हो गए तो फिर अगले सौ बच्चों के लिए अलग फाइव एडुकेटर्स लिए जाएंगे वो एडुकेटर्स की विशेषता मैं आपको बता देता हूं वो लोग आपके लिए पूरे दो साल का लेक्चर प्लान डिसाइड करेंगे लेक्चर प्लान डिसाइड ही नहीं करेंगे रोजाना आपसे बातचीत भी करेंगे यानी मेंटर यानी जिस प्रकार से एडुकेटर से आप मुझसे इस समय पढ़ते हैं तो आप चैट बॉक्स में बात करते हैं यहां पर पूरा की पूरा टाइम टेबल बनाना आपकी पूरी प्रिपरेशन में साथ देना वो लोग तीन तीन बार चार चार बार इंटरव्यू क्वालिफाई किए हुए लोग हैं उनमें से कई सर्विंग आई ऑफिसर्स हैं वो आपकी क्लास लेंगे लेकिन उसके लिए आपको बैच अगर लेना होगा तो वो केवल आइकॉनिक बैच लेना होगा और वो भी दो साल का वो सुविधा आपको दो साल के आइकॉनिक बैच पर ही उपलब्ध होगी उसके अलावा वो उपलब्ध नहीं हो रही है यदि आप चाहते हैं यूपीएससी कैटेगरी में वो क्लास लेना तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करके अंकित टेन यूज करके टेन डिस्काउंट के साथ उसको शुरू कर सकते हैं तीस जून से वो बैच शुरू हो रहा है डिटेल इंफॉर्मेशन उसके बारे में मैं आपको भविष्य में दे दूंगा किसी भी कैटेगरी में आप क्लासेस लीजिए तो का इमीडिएट मिलता है प्राप्त हो जाती है कोई भी क्लास आपको लेनी हो गूगल प्ले स्टोर पर जाए है ना? जितने भी विद्यार्थी अभी भी उपस्थित हैं अगर वो भी वीडियो को लाइक कर जाएंगे तो लाइक की संख्या बढ़ेगी जिससे लोगों को लगेगा कि हाँ अच्छा काम किया गया था इतना तो कर दो यार अच्छा अगर आप सेशन लेना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें फोन नंबर से रजिस्टर करें और रजिस्टर करने के बाद में वहां जाकर के कोई भी फीस का ऑप्शन सेलेक्ट करें रेफरल कोड अंकित टेन यूज करके टेन परसेंट का डिस्काउंट प्राप्त कर लें इस क्लास की पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर मिल जाएगी कोर्सेज के बारे में डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए तो भी टेलीग्राम पर मेरे साथ मिल जाएगी इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यहां पर आपको सारी जानकारियां उपलब्ध हैं साठ विद्यार्थी यहां जुड़े हुए हैं आप भी कनेक्ट कर सकते हैं क्लास की पी सारी क्लास की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेंगी आपका समय शुभ हो मैं यहां पर एक क्लास के लिंक पिन कर रहा हूं कोवैक्सीन वाले विषय की आप उसे जरूर देखें आपका समय शुभ हो बड़ों का सम्मान छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें धन्यवाद